हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ऑलरेडी सर मैंने दो रिवीजन वीडियो डाल रखी है, लेंथ नहीं बढ़ाऊंगा क्लासेस का, क्योंकि एक घंटे में मेरे को सारा रिवीजन कराना है विद क्वेश्चंस करवाना है सर। पूरा एफर्ट लग रहा है, आप भी अपना एफर्ट लगाइए थ्रू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, और शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके सर, आज क्या स्टार्ट होने वाला है? सर आज ये स्टार्ट होने वाला है। वाह सर, CID दिखाने वाले हो? हाँ, मैं आपको CID दिखाने वाला हूँ सर। कंपनीज एक्ट का CID चैप्टर बोलते हैं इसको सर। नेम इंस्पेक्शन इंक्वायरी या इंक्वायरी इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन सर। ई वाला इंक्वायरी नहीं, आई वाला इंक्वायरी, वो रेलवे स्टेशन में ई वाला इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। चलो सर, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो ये चैप्टर बहुत सिंपल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको 5 से 6 नंबर का डिस्क्रिप्टिव इससे आ सकता है, और एक केस सिनेरियो बन के आ सकता है। ऑब्जेक्टिव इससे 2-3 नंबर का आता ही है। तो सर आप मिला के मान लो इस चैप्टर से 8 मार्क्स का पेपर बनता है। इस बार भी 25,000 का कॉस्ट का कुछ आया था, 2 नंबर का आया था क्वेश्चन, और एक डिस्क्रिप्टिव था। तो 5 से 8 नंबर के बीच का चैप्टर रहता ही रहता है सर। चैप्टर स्टार्ट करते हैं सर। 206 से 229 तक ये सारे सेक्शंस की ज्ञान देखना है हमें, अच्छे से देखेंगे, थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम। ज़्यादा रिविजन को मैं उतना रिविजन नहीं कराता, अच्छे से डिटेल देते हैं उसको सर। 206 देखो, कंपनी अपनी फाइलिंग करता है थ्रू AOC-4 या FGT-7, जो कि एनुअल रिटर्न होता है। किसको? ROC को। ROC को फाइलिंग करता है। मानो AOC-4 में कुछ कंपनी डाल दिया 5 करोड़ का क्रेडिटर्स, तो ROC को लगा यार ये क्रेडिटर्स कैसा है, ये गलत लग रहा है, इंफॉर्मेशन इनसफिशियंट लग रहा है। तो ROC क्या किया? ROC लगाया कॉल। किसको? कंपनी को, कि भाई इसका क्लेरिफिकेशन दो। तो सबसे पहले 206 में क्या होता है? पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्ट बुक्स एंड कंडक्ट इंक्वायरी। सर किसको पावर है? ROC को पावर है सर। सुनो, वेयर ऑन स्क्रूटनी, जैसे आप रिटर्न फाइल करते हो ना GSTR 1 GSTR 3 भी का, उसी बेसिस पे क्या होता है? स्क्रूटनी होता है। रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है सर। उसी बेसिस पे क्या होता है? स्क्रूटनी होता है। तो आपने जो भी इंफॉर्मेशन फाइल किया, देखो वेयर ऑन स्क्रूटनी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय कंपनी और इन्फॉर्मेशन रिसीव बाय हिम, रजिस्टर इज ऑफ ओपिनियन, ROC को लगा, इसके ओपिनियन लगा दैट एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू कंपनी इज नेसेसरी। मतलब और भी डॉक्यूमेंट चाहे हो सकता है कंपनी को देना पड़े, ROC को लगे क्या इनसफिशियंट है। तो ROC क्या करेगा? एक रिटर्न नोटिस देगा कि कंपनी टू फर्निश इन्फॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन इन राइटिंग। ROC बोलेगा कंपनी को, भाई ये 5 करोड़ का क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन दो। तो देखो ROC कोई नया तरीके से लगाया, तुमने जो भी फाइल किया ना उस बेसिस पे ROC कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन मांगेगा उसी बेसिस पे, या बोलेगा टू प्रोड्यूस एडिशनल डॉक्यूमेंट। भैया 5 करोड़ है ना, आपके ऑडिटर ने ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिया होगा, मान लो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे बिल इनवॉइस वो फर्निश करो। तो सबसे पहले इंक्वायरी इंस्पेक्शन नहीं होता, सबसे पहले होता है कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए उसके स्क्रूटनी के बाद ठीक है, स्क्रूटनी के बाद फिर ROC ने मांगा कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन मांगा, ठीक है। अब 206 सबसेक्शन 2 क्या है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है सर। मान लो सर 1 अक्टूबर यहां का कोई डॉक्यूमेंट्स का ROC कॉल फॉर इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है, और कोई डायरेक्टर था यहां पे रिटायर हो गया 1 दिसंबर को। अब ROC ने मांगा, देखो इस पीरियड का डॉक्यूमेंट था, ROC को यहां पे डॉक्यूमेंट मिला, ROC ने इस पीरियड रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट मांगा। तो क्या है पे जो पास्ट एम्प्लॉय थे जो रिटायर हो गए, वो भी क्या ऑब्लिगेशन है क्या उनका इंफॉर्मेशन देने का? तो सुनो वही बताता है 206 सबसेक्शन 2, वेयर सच इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन रिलेट्स टू एनी पास्ट पीरियड, सब पास्ट पीरियड, ठीक है पास्ट पीरियड, देन द डायरेक्टर ऑफिसर हु हैड बीन इन द एम्प्लॉयमेंट, हु हैड बीन जो उस टाइम एम्प्लॉयमेंट में थे फॉर सच पीरियड, जो भी इस पीरियड में थे भले ही वो आगे जाके अपना रिटायरमेंट ले लियो, इफ सो कॉल अपॉन माय रजिस्ट्रार थ्रू नोटिस देन इट्स आल्सो फर्निश इन्फॉर्मेशन। अगर ROC ने मांगा कि उस डायरेक्टर से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो भैया उस डायरेक्टर की ड्यूटी भी होगी कि उसको इन्फॉर्मेशन दे। किसको इन्फॉर्मेशन दे? ROC को। तो यहाँ पे पास्ट डायरेक्टर भी फंस चुके हैं। तो भाई तुम अगर कंपनी में कांड करके जाने वाले हो ना, तो ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे, भैया तुम्हारे कांड हमेशा देखेंगे कंपनी, ROC देख सकती है, ठीक है सर। 206 सबसेक्शन 3, इन केस ऑफ नो इन्फॉर्मेशन। अब सर देखो, ROC ने कंपनी से कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन मांगा, कंपनी ने या तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इससे MCQ आता है नो इन्फॉर्मेशन, या एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड बाय कंपनी रजिस्टर्ड ओपिनियन दैट इन्फॉर्मेशन इज इनएडुकेट। पहला यहाँ पे आया नो इन्फॉर्मेशन, दूसरा क्या हुआ इनएडुकेट, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दिया कंपनी ने वो इनएडुकेट था। देन रजिस्टर में इशू अनदर नोटिस, मे देखो ROC ने प्यार से मांगा कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, कंपनी ने नहीं दिया, या कंपनी ने दिया वो इनएडुकेट था, तो ROC आपको एक और नोटिस दे सकता है कि भाई दे दो, प्यार से मांग रहे मे है, मे एक और नोटिस शायद दे सकता है, अदरवाइज कंपनी अपना स्टार्ट कर सकता है, ROC स्टार्ट कर सकता है इंक्वायरी, ठीक है। प्रोवाइडेड सच बिफोर एनी नोटिस इज सर्व्ड शैल रिसीव इन राइटिंग, प्रोवाइडेड जो भी ROC नोटिस देगा ना यहाँ पे रिटर्न में लिख के देगा,
कि हाँ हम इस बेसिस के, इस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे या मान लो इस क्रिएटर के बेसिस पे हम आरओसी इस कंपनी से क्या मांग रहे हैं, इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। परफेक्ट सर। 207, अब देखो 206 में सब कुछ स्टार्ट हो गया, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन मांगा, कंपनी ने दिया, कंपनी ने नहीं दिया, कंपनी दिया इनएडिक्वेट था सॉरी इनएडिक्वेट था, इनकम्प्लीट था। अब आगे बात करते हैं, अब क्या होने वाला है, अब इंस्पेक्शन इंक्वायरी होने वाला है। तो सबसे पहले याद रखना, हम डायरेक्ट तीर नहीं चला रहे, सबसे पहले हम प्यार से पूछ रहे हैं, हम इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, भाई कंपनी हमें इन्फॉर्मेशन दे दो, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, प्यार से बातें हो रही है, स्क्रूटनी हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, तुमने नहीं दिया या तुमने दिया गलत दिया, इनएडिक्वेट दिया, अब हम तुम्हारा इंस्पेक्शन इंक्वायरी करें। अभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन इज अ हार्श, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इज अ सॉफ्ट प्रोसेस, ठीक है। अभी प्यार से, अभी भी प्यार से पूछेंगे, तो कॉल बहुत प्यार से पूछ दिए, इंस्पेक्शन थोड़ा प्यार दिखाएंगे, इन्वेस्टिगेशन भाई चाबुक चलाना चालू करेंगे, ठीक है। सर 207 सबसेक्शन एक सुनो, वेयर रजिस्ट्रार्स कॉल फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स, देन इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी डायरेक्टर एम्प्लॉय टू प्रोड्यूस ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। अब देखो रजिस्ट्रार मतलब आरओसी, अब आरओसी ने इंक्वायरी करना चालू कर दिया। सर इंक्वायरी होता है पर्सन का, पर्सन से पूछताछ, इंस्पेक्शन होता है बुक्स का, ठीक है। तो दोनों चालू हो गया, पर्सन से पूछताछ चालू हो गया और इंस्पेक्शन बुक्स को खंगालना चालू कर दिया। अब आरओसी ने मांगा कि मेरे को ये बुक्स दिखाओ, मेरे को ये मिनट दिखाओ, मेरे को ये दिखाओ, मेरे को इसके डॉक्यूमेंट दिखाओ, मेरे को कारो रिपोर्ट दिखाओ, मेरे को इसका रजिस्टर दिखाओ, फिक्स एसेट। तो भैया अब रजिस्ट्रार जो भी कॉल मांगेगा ना, बुक्स अकाउंट्स या अदर बुक्स, अदर बुक्स में सब आ जाएंगे, मिनट्स मिनट सब आएंगे। देन इट्स अ ड्यूटी ऑफ एवरी डायरेक्टर, भैया हर डायरेक्टर की ड्यूटी है, हर एम्प्लॉय की ड्यूटी है कि तुमको क्या करे, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे। ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं देंगे, भैया 207 का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका था, ठीक है। तो हर डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, हर असिस्टेंस देना है, वो चाय मांगेगा को चाय देना है, एग्जांपल असिस्टेंस, ठीक है। अब सर पावर ऑफ रजिस्ट्रार, अब आरओसी का क्या क्या पावर है, ठीक है। इंस्पेक्शन इंक्वायरी करने समय प्लेस एनी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट आया उसमें कुछ गलत लग रहा है तो कुछ मार्क करके चला जाएगा, चेक मार्क कर सकता है। इंस्पेक्शन है पावर टू टेक कॉपीज, अब मान लो कि ऑफिस चल रहा था, कोविड का टाइम था, ऑफिस में 150 एम्प्लॉय काम करते थे, अब आरओसी इंस्पेक्टर आया और देख के डर गया, बोला गया कोविड हो सकता है मेरे को, तो बोले एक काम करो, वो कंपनी बोला काम करो, तुम्हें को क्या करो कॉपी दे दो, तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का ना एक जेरोक्स कॉपी बना के मेरे को दे दो, ठीक है। और बोला रजिस्ट्रार हैव ऑल पावर एज वेस्टेड टू सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट वाले जितने पावर है ना आरओसी के पास, मतलब रजिस्ट्रार के पास पावर है। सर कौन कौन पावर है सिविल कोर्ट पास, सर डाइस, जो हम लूडो खेलते हैं ना डाइस, डाइस वाले पावर है, ठीक है। मेमोरी टेक्निक मैंने कहीं से देखा ही था, ठीक है। तो ये डाइस वाले पावर है, अच्छा अच्छा याद करने तरीका। सर D4 डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सर बोलेगा मेरे को ये बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, हमको प्रोड्यूस करके दो अभी, तो आपको ये आपको कौन मतलब डायरेक्टर या कंपनी के एम्प्लॉय को प्रोड्यूस करके देना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब वो मान लो बुक्स ऑफ अकाउंट सामने खड़ा हो गया, अब वो बोलेगा कि अब मान लो आरओसी का इंस्पेक्टर है उसको पढ़ना चाहता है, डायरेक्टर बोले नहीं सर आपने बस डिस्कवरी मांगा था, मतलब आपने मांगा था और प्रोड्यूस करने बोला था, हमने प्रोड्यूस किया, आप छू नहीं सकते, बोलेगा पागल हो क्या, सेकंड पावर हमारा लिखा हुआ है इंस्पेक्शन, हम उस बुक्स ऑफ अकाउंट को खोल के पढ़ भी सकते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। थर्ड क्या बोला, कॉपीज ऑफ बुक्स अकाउंट, भाई कोरोना का टाइम में भीड़ लग रहा है, कोविड में चांसेस, हम उसके कॉपी लेके अपने ऑफिस लेके जा सकते हैं, कौन आरओसी का इंस्पेक्टर। सर E4 इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एग्जामिन नोट, उस पर्सन को बुला के अपने ऑफिस में कसमे वादे खिला के हाथ डलवा के अपने किताब पे कुरान पे जो भी है उस पे उसको कसमे वादे खिलवा के हम बुला सकते हैं, भाई जो बोलोगे सच बोलोगे, सच कहवा झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम करवा सकते हैं, समन दिलवा सकते हैं, अटेंडेंस एग्जामिन नोट कर सकते हैं, टेक्निक है डाइस, डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, कॉपीज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और E4 एग्जामिन नोट, ठीक है। सर 208, अब मान लो आरओसी या इंस्पेक्टर ने, ठीक है, सारा काम कर लिया मतलब इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन कर लिया, लोगों से पूछताछ कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया। अब इनको लगा ना यार इस कंपनी में बहुत बड़ा झोल है, कम से कम 500 करोड़ का झोल है, 500 करोड़ का फ्रॉड छुपा है। अब इसके बेसिस पे क्या बनाएगा, एक रिपोर्ट बनाएगा। तो 208 में यही बातें बोली गई, रिपोर्ट ऑन इंस्पेक्शन इंक्वायरी लिखना, ठीक है। बेस्ड ऑन सेक्शन 206 एंड 207 आरओसी इंस्पेक्टर शैल सबमिट, सर मैंडेटरी सबमिट करना पड़ेगा इन रिटन टू किसको, ये एग्जांपल याद रहा एमसीक्यू बनता है, इसलिए मैंने ग्रीन किया हुआ, सर कलरफुल निकाल लो, बार बार बोल रहा हूँ कलरफुल निकाल लेना नोट्स या आप हाईलाइट कर लेना, अलॉन्ग विथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। सर देखो आरओसी इंस्पेक्टर ने इंक्वायरी इंस्पेक्शन किया, किसको सबमिट करना रिपोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी है, एकदम करना ही पड़ेगा, यस सर सेल है, करना ही पड़ेगा। आप तुम करने गए हो आरओसी इंस्पेक्टर, आप सब कुछ काम करने गए हो तो भैया सीजी को बताना पड़ेगा तुमने इतना काम किया है कि नहीं किया है, रिपोर्ट देना पड़ेगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, अब उस रिपोर्ट में यह भी लिखा हो सकता है रिकमेंडेशन है टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अब भैया आरओसी इंस्पेक्टर ही बोलेगा देखो सर हमने इंक्वायरी इंस्पेक्शन तो कर लिया, एक काम करो हमें 500 करोड़ का फ्रॉड लग रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता। अभी ट्रिगर पॉइंट्स देखेंगे। तो सर देखो आरओसी ने सारा काम किया, इंस्पेक्टर ने काम किया, क्या रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी, यस सर। फ्रॉड नहीं है तो तभी सबमिट करो, बताओ कि हाँ इस कंपनी में सब कुछ ठीक है, फ्रॉड नहीं है,
बट सर फ्रॉड है तो एक रिकमेंडेशन दे दो कि सर अब इन्वेस्टिगेशन कराओ, कम से कम लग रहा है 500-600 करोड़ का फ्रॉड है इसमें, ठीक है, तो रिपोर्ट देना मैंडेटरी, और किसको देना, सीजी को देना। सर सर्च एंड सीजर, अब देखो 208 में रिपोर्ट गया, 210 में इन्वेस्टिगेशन होने वाला, मतलब सीजी चाहेगा तो। अब 209 में मान लो रिपोर्ट गया सीजी के पास, इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं होगा इस बेसिस में, बीच में कुछ भी तो हो सकता है इस बेस में, इस बीच में मान लो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे उसको जलाया जा सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन होने से बच जाओ, या इन्वेस्टिगेशन होकर कुछ पकड़ाए नहीं, ठीक है, कंपनी का डायरेक्टर ही कुछ डॉक्यूमेंट जला दे, तोड़ दे, फोड़ दे, फेंक दे, उड़ा दे, जला दे, दफना दे, ठीक है, कुछ भी कर सकता है, खा जाए डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, तो उस बेस पे, उस बीच में यहाँ पे भी ऑब्लिगेशन किसका आएगा। अभी सीजी इंटर नहीं किया, सीजी इंटर यहाँ करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट यहाँ तक भी ऑब्लिगेशन किसका है, आरओसी का। तो आरओसी इंस्पेक्टर चाहे तो, आरओसी इंस्पेक्टर चाहे तो सर्च एंड सीज कर सकता है। सुनो, ये इंस्पेक्टर है, 208 में इसका रिपोर्ट गया, 210 में, अब टाइम लगेगा बीच में, इस बीच के बीच में टाइम में क्या हुआ ना, ऑडिटर रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स, ये सब जलाने की कोशिश की गई, ठीक है, गोइंग टू डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड, ठीक है, कौन कर रहा था, मान लो ऑडिटर ही कर रहा था, या मान लो डायरेक्टर कर रहा था, गोइंग टू डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड, क्योंकि इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट भेजा सीजी को, अब 210 में इन्वेस्टिगेशन होगा ना, बट 209 में क्या बोल दिया गया, अब इस बीच में मतलब इस टाइम के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो भैया जलाने की कोशिश की गई, तो आरओसी इंस्पेक्टर को खबर हो गया, आरओसी इंस्पेक्टर गया, तुरंत गया, रिपोर्ट से लिया और अपने पास रख लिया, बोले हम जलाने नहीं देंगे। तो भैया यहाँ पे एक चीज याद रखना, तुम इंस्पेक्शन इंक्वायरी के बेसिस पे सर्च सीजर करने जा रहे हो ना, तो एक आदमी का परमिशन लेके जाना। सर इससे क्वेश्चन बहुत बना है, सर स्पेशल कोर्ट, सर स्पेशल कोर्ट, यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, सर परमिशन फ्रॉम स्पेशल कोर्ट, ठीक है, आपको स्पेशल कोर्ट की परमिशन लेके जानी पड़ेगी। तो आप याद रखना, क्वेश्चन बनता है, आप सर्च सीज करो कोई दिक्कत नहीं, आपको लग रहा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट मल्टीफाई होने वाले हैं, कुछ डॉक्यूमेंट फेंकने वाला है डायरेक्टर कोई भी कंपनी का, तो आप जाओ, कोई दिक्कत, क्वेश्चन ऐसा आता है कि आरओसी इंस्पेक्टर को पता चला और इन इमरजेंसी बेसिस पे वो ना चला गया, डॉक्यूमेंट सीज कर लिया, भाई कितना भी इमरजेंसी क्यों ना हो जाए, स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेके जाना, क्योंकि तुमने अभी इंस्पेक्शन इंक्वायरी किया है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया, फिर भाई कोई दिक्कत नहीं, फिर तुम जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आरओसी इंस्पेक्टर हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, मतलब आरओसी इंस्पेक्टर बस कुछ रीजनेबल ग्राउंड था, उनको पता चला कि कुछ क्या होने वाला है, बुक्स एंड पेपर ऑफ कंपनी केएमपी ऑडिटर सीएस इन प्रैक्टिस आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉय, होने वाला है, लाइकली टू बी मतलब होने वाला है, किसके डॉक्यूमेंट्स, किसी के डॉक्यूमेंट्स, ऑडिटर भी, सीएस प्रैक्टिस भी, केएमपी भी, कंपनी के बुक्स ऑफ पेपर, कोई भी पेपर डिस्ट्रॉय, लाइकली टू बी डिस्ट्रॉय, होने वाले हैं, एंड अल्टर्ड मतलब चेंजेस होने वाले हैं, देन ही सेल आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट। सर स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर लेके जाना, कौन, आरओसी इंस्पेक्टर, फॉर सीज एंड सर्च ऑफ जो भी है, सर्च एंड सीज ऑफ बुक्स एंड पेपर, ठीक है। इंस्पेक्टर अब कितने दिन के लिए होगा सर, सर्च एंड सीज, सर 180 डेज। तो इंस्पेक्टर शैल रिटर्न बुक्स एंड पेपर सीज इन एनी केस नॉट लेटर देन 180 डेज। तो मैक्स 180 डेज तक सीज कर सकता है, फर्दर वन एक्सटेंड 180 डेज हो सकता है फॉर एनी जस्टिफाइड रीजन। तो सर 180 + 180 दिन तक कर सकते हैं, ये भी 180 दिन करने के लिए कोई जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सर, अब बात आता है, अब देखो 209 में सर्च सीज हो गया, 208 में रिपोर्ट गया था, अब 210 में बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन कब कब हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चलो फिर आगे बढ़ाते हैं, जहां तक हमने देख लिया था, अब सेक्शन नंबर 211 आते हैं। सर 211 क्या है, सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SFIO, सर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO। सर ये मान लो अगर किसी पे SFIO आ गया ना सर, बस समझ लो कि कंपनीज एक्ट का एक लौता ऐसा इसमें प्रोविजन है जहाँ पे कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, विदाउट एनी वारंट उठा के लेके जा सकते हैं आपको, और बेल भी नहीं देंगे। तो याद रखना SFIO, प्रैक्टिकली मैंने देखा है SFIO, ठीक है। चलो सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SFIO, सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SFIO मतलब सर कौन एस्टैब्लिश करेगा SFIO, सर SFIO होता क्या अभी हम सब देखेंगे, ठीक है। सीजी सेल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट अ डायरेक्टर इन द SFIO फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। सर कौन SFIO एस्टैब्लिश करता है, MCQ आ सकता है, सीजी करता है SFIO एस्टैब्लिश। अगर मैं बोलूँ इस चैप्टर में ना बहुत सारे प्रोविजन सिर्फ सीजी पे ही है, ठीक है, सिर्फ सीजी करता है, ट्रिब्यूनल आएगा, बट बहुत सारे प्रोविजन सिर्फ सीजी पे है, ठीक है। तो सीजी क्या करता है, SFIO को एस्टैब्लिश करता है। सर SFIO में कौन कौन होता है, कंपोजिशन क्या होता है SFIO में, सर हेडेड बाय डायरेक्टर एंड डायरेक्टर एंड डायरेक्टर एंड कंसिस्ट ऑफ सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स डिफरेंट फील्ड टू बी अपॉइंटेड बाय सीजी फ्रॉम अमंग सच पर्सन ऑफ एक्सपीरियंस। देखो डायरेक्टर तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ क्या रहेंगे, एक्सपर्ट्स रहेंगे। अगर मान लो SFIO का मैटर हो रहा है शेयर मार्केट के लिए, तो
कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट रहेगा, सर कंपनीज का तो सीएस रहेंगे, फाइनेंशियल टैक्सेशन तो सीए रहेगा, तो डायरेक्टर तो हेडेड रहेगा, उसके साथ साथ वो एन नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स रख सकते हैं। जैसे किसी टीम में कैप्टन होता है ना, वैसे ही हमारे एसएफआईओ में हेड डायरेक्टर होता है, उसके साथ प्लेयर होते हैं ना, फिर यहाँ पे मेंबर ऑफ एसएफआईओ होते हैं सेम, ठीक है। तो कौन कौन प्लेयर होंगे, या कंपनी लॉ सीएस वीएसए करके कोई भी प्लेयर हो सकते हैं एसएफआईओ की टीम में। तो मेन क्या रहेगा, डायरेक्टर रहेगा, जो कंपनी का जो टीम का कोच होता है वो डायरेक्टर हेड करेगा एसएफआईओ के प्रोसीडिंग्स को। उसके साथ साथ मेंबर्स ऑफ एसएफआईओ रहेंगे जो कि एक्सपीरियंस के बेसिस पर रहेगा, जो भी एक्सपीरियंस बेसिस पर जो भी डिफॉल्ट हुआ उस बेसिस पर रहेंगे, ठीक है। टैक्सेशन कंपनीज एक्ट कैपिटल वाला, ठीक है। सर इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर कंपनी बाय सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। सर 211 में क्या था, 211 में था कि एस्टैब्लिशमेंट कैसे होगा। अब 212 बोला कि कब एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन करेगा। सर ट्रिगर पॉइंट्स क्या थे, सर देखो मैं बताता हूँ, 210 के जो ये ट्रिगर पॉइंट्स है ना, यही ट्रिगर पॉइंट्स 212 में एसएफआईओ है। तो सर एसएफआईओ कब जाते हैं और नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कब होता है। देखो अगर मैं आपको बोलूँ 5 करोड़ का फ्रॉड है, अब मैं आपको बोलूँ 500 करोड़ का फ्रॉड है, तो आपको क्या लगता है सीरियस फ्रॉड कहाँ है। सर सीरियस फ्रॉड यहाँ है। तो सर ट्रिगर पॉइंट्स वही है, एसआर पास करना, इंस्पेक्टर रिपोर्ट, पब्लिक इंटरेस्ट। बट जब फ्रॉड हाई अमाउंट पे है या फ्रॉड में इन्वॉल्वमेंट हाई है, तब वो क्या होता है, सीरियस हो जाता है, तब हम देखते हैं एसएफआईओ को। बट यहाँ पे 5 करोड़ है, ठीक है यार, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होकर भी चल सकता है। तो एसएफआईओ कब जाते हैं, नॉर्मल 210 में जो पॉइंट्स है ना, वहीं पे एसएफआईओ वाले पॉइंट्स वहीं पे है। बट जब सीरियस हो जाता है ना मैटर, सीरियस मतलब क्या, जब अमाउंट ज्यादा हो जाए, जब पब्लिक, जब पर्सन ज्यादा इन्वॉल्व हो, तब एसएफआईओ हम ट्रिगर करते हैं, ठीक है। देखो वेयर सीजी ऑन रिसिप्ट ऑफ आरओसी इंस्पेक्टर रिपोर्ट, देखो पहला ट्रिगर पॉइंट वहां भी था, रिसिप्ट ऑफ आरओसी इंस्पेक्टर रिपोर्ट, ऑन इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन वहां भी था, एसआर पास करना कंपनी, ऑन पब्लिक इंटरेस्ट वहां भी था, बट एक चौथा याद रखना, इसमें एक चौथा बस ऐड होता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सीजी। सर मान लो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि सर सीजी, जीएसटी डिपार्टमेंट बोल दिया कि सर सीजी को कि इन्वेस्टिगेशन कराओ एसएफआईओ से। तो यहाँ पे एक इकलौता पॉइंट एसएफआईओ में है, जब डिपार्टमेंट सीजी या डिपार्टमेंट ही खुद बोलता है कि एसएफआईओ करवाओ, ठीक है। तो देन सीजी इज ऑफ ओपिनियन, देखो सर यहाँ भी ओपिनियन है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सीजी का ओपिनियन ही है एसएफआईओ का, दैट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स कंपनी बाय एसएफआईओ। सीजी यहाँ भी बाउंड नहीं है, ठीक है, सीजी के पास भी ओपिनियन है, सीजी चाहे तो एसएफआईओ करवा सकती है। तो ये सब पॉइंट है, चाहे तो, चार पॉइंट है, रिसिप्ट ऑफ आरओसी इंस्पेक्टर रिपोर्ट, इंटीमेशन ऑफ एसआर पास बाय कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट में, और रिसिप्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सीजी। ये बस इकलौता पॉइंट ये यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है, ये याद रखना, रिसिप्ट ऑफ, अब फिर सीजी पास चला गया रिपोर्ट, सीजी चाहे तो एसएफआईओ करवा सकती है। अब सुनो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर को चांसेस है बनने का। सर वेयर एनी केस हैज बीन असाइन टू एसएफआईओ, मान लो सीजी ने एसएफआईओ को दे दिया केस, परफेक्ट, क्यों इन्वेस्टिगेशन करने की, क्यों इन्वेस्टिगेशन, सर नॉर्मली हो सकता था एसएफआईओ, क्यों, क्योंकि मैटर सीरियस था, इसी नाम है सीरियस फ्रॉड, मैटर सीरियस था, इन्वेस्टिगेशन करने दे दिया। अब मान लो कि ऑलरेडी है ना जीएसटी डिपार्टमेंट का इस कंपनी में ना इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, मान लो कि कंपनी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, कस्टम डिपार्टमेंट का चल रहा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चल रहा था, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी चल रहा था, ठीक है। तो सर याद रखना एसएफआईओ अगर आ गया ना तो सब बोल जाएंगे भाई तुम साइड हो जाओ, अब एसएफआईओ डील करेगा आपके मैटर को, ठीक है। तो कोई भी डिपार्टमेंट का अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा या मान लो कोई भी प्रोसीडिंग चल रहा होगा ना, वो सारा रुक जाना, एसएफआईओ अकेला डील करेगा उसको, परफेक्ट, एसएफआईओ ही डील करेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो भी मैटर हो एसएफआईओ डील करेगा। वेयर एनी केस हैज बीन असाइन टू एसएफआईओ फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट, देन नो अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सीजी और एनी अदर एसजी शैल प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन, कोई भी एजेंसी अब प्रोसीड नहीं करेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। तो एसएफआईओ इसको अकेला देखेगा, एवरी पर्सन, अब देखो एक सेकंड, इसके अंदर मैंने क्या बोला, कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल होता है एसएफआईओ का, इकलौता प्रोसीडिंग होता है जो कॉग्निजेबल एंड नॉन बिलेबल, तो ये लिख लेना। सर ये क्या होता है, ये होता है कि मतलब विदाउट एनी वारंट किसी को उठा के ले जा सकते हैं और बेल भी नहीं देंगे, इकलौता पूरे कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है, मैंने इसको डील किया है एनसीएलटी चैप्टर के साथ या स्पेशल कोर्ट के चैप्टर के साथ, ठीक है। देखो अब क्या बोला, मान लो एसएफआईओ ने आया और एसएफआईओ ने उस कंपनी के डायरेक्टर को उठा लिया और अरेस्ट करके रख लिया, तो याद रखना जो भी पर्सन अरेस्ट होता है ना सेल विद इन 24 आवर्स, सर 24 घंटे के अंदर है ना जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा तुम्हें, ठीक है। तो एसएफआईओ तुम अरेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखना 24 घंटे तक अपने कस्टडी में रखो, बट याद रखना
उसके बाद या उससे पहले क्या करो, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट में जाके पेश कर दो। सही, आपको स्पेशल कोर्ट में अच्छे से समझ आ गया ये टॉपिक है पूरा, ठीक है सर। प्रोवाइडेड दैट, याद रखना 24 घंटे में वो एक्सक्लूड होगा ट्रैवलिंग टाइम, मतलब सर SFIO के डिपार्टमेंट वाले टीम में डायरेक्टर को अरेस्ट किया, ठीक है, मान लो 2 बजे अरेस्ट किया, अब ये 2 बजे अरेस्ट किया, 6 बजे तक अपने पास रखा रहा, अब यहाँ से ये चेन्नई फ्लाइट से चला गया तो सर कितने घंटे रहा, 4 घंटे। सर चेन्नई फ्लाइट का टाइम नहीं इंक्लूड होगा, तो ट्रैवल टाइम वो 24 घंटे में इंक्लूड नहीं करेंगे। सर मान लो डायरेक्टर को SFIO टीम ने 23 घंटे 55 मिनट तक अपने पास रखा, 5 मिनट बाकी था, बट वो 5 मिनट में उसको क्या किया ना, फ्लाइट कटवा के भेज दिया, अब वो फ्लाइट में उसको 3 घंटे और लग गया, तो सर 23 + 3 = 26 घंटे हो गए, नहीं वो ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूड होगा, तो माना जाए तो 23 घंटे ही रहा है, तो ठीक है नॉर्मल, ठीक है, ठीक है, तो ट्रैवलिंग टाइम एक्सक्लूड करना है, ठीक है, जो भी मजिस्ट्रेट प्लेस पर जाने का ट्रैवलिंग टाइम है। सर ऑल पर्सन ऑफिसर शैल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स टू SFIO, हर पर्सन कंपनी का SFIO को ट्रीट करेगा, अच्छा सा असिस्टेंस देगा। बेसिकली इस SFIO में ना कोई बेल नहीं मिलता, इसे मैं बताऊँ, नॉन कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है। बेसिकली देर इज नो बेल अंडर दिस प्रोविजन एक्सेप्ट 3 सिचुएशन, जब कोई बंदा अंडर एज ऑफ 16 ईयर्स, सर 15 साल 364 दिन, तभी सर 16 ईयर का है तो नहीं सर बेल नहीं मिलेगा फिर, तो 16 साल से कम है, अंडर एज 16 साल से कम है तब बेल मिल जाएगा, वुमेन है बेल मिल जाएगा, और है सिक पर्सन इन्फॉर्म पर्सन है तो बेल मिल जाएगा, इसलिए लोग SFIO अरेस्ट करने आता है ना, कोई भी अरेस्ट करने आता है ना, वो बीमारी बनाने का बहाना बनाते हैं क्योंकि उनको बेल मिल जाता है, ठीक है। बट याद रखना ये भी तभी रिलीज होगा, मे बी रिलीज ऑन बेल इफ स्पेसिफाइड स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट, स्पेशल कोर्ट बोले तो इस केस में आपको बेल मिल सकता है, ऐसे बेल नहीं मिलेगा, स्पेशल कोर्ट बोलना पड़ेगा, लेकिन बेल मिल जाएगा आपको इस केस में, ठीक है। अब SFIO क्या करेगा, SFIO भी सेल सबमिट एन इंटरिम रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू CG। अब CG नहीं तो SFIO को एस्टैब्लिश किया था हमने देखा ऊपर, तो SFIO की ऑब्लिगेशन है कि उसको भी एक इंटरिम रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। मान लो SFIO का ट्रीटमेंट 6 साल चल रहा है, तो हर 6-6 महीने में CG ने बोल दिया कि मेरे को एक इंटरिम रिपोर्ट भेजते रहो, जैसे मैंने देखा वहाँ पर SFIO 4 साल चल रहा था, ठीक है, तो हर CG के पास आपको 6-6 महीने रिपोर्ट भेजना पड़ेगा, आपने किसका किससे पूछताछ किया, किसको अरेस्ट किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, क्या क्या चांसेस है फ्रॉड के, इन्वेस्ट पकड़ाने के, ठीक है, लोगों को पकड़ाने के, तो एक इंटरिम रिपोर्ट भेजते रहो एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेजते रहो CG को, ठीक है। सर 213 क्या है, 213 मैं आराम समझाता हूँ, सुनो सर 213 है क्या, मान लो कंपनी में ना SR पास नहीं हुआ, हमने देखा था 3 ट्रिगर पॉइंट्स थे, या तो एक पब्लिक इंटरेस्ट में, या तो मान लो SR पास कर दिया कंपनी ने, या मान लो इंस्पेक्टर रिपोर्ट, अब कंपनी ने SR पास नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ SR पास, अब इन्वेस्टिगेशन करना इंटू अफेयर कंपनी, अब सर क्या करेगा कंपनी, रोएगा, मतलब मेंबर्स रोएंगे, बोलेगा नहीं नहीं फ्रॉड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, नहीं, अगर आपका SR पास नहीं भी हुआ है ना, तो एक काम करो, आप पहले जाओगे CG पास, CG बोलेगा SR पास किए, आप बोलोगे SR पास नहीं हुआ सर, तो आप रोते हुए घर मत आना, एक काम करना, बस बगल के रास्ते में ना आप इनके पास चले जाना, किनके पास चले जाना, आप ट्रिब्यूनल पास चले जाना। तो ट्रिब्यूनल पास जाने मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका SR पास नहीं भी हुआ हो ना, अगर यहाँ पे आपका ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाना, तो भी आपका बातें मान ले सकते हैं। सर क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कंपनी का, इफ कंपनी ने ना मेंबर ने SR पास नहीं किया तो क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता, सर हो सकता है, कब, जब 100 मेंबर्स या उससे ज्यादा मेंबर और मेंबर होल्डिंग 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, ठीक है, विच एवर इज लेस करके जो भी है, ठीक है, एप्लीकेशन मेड बाय 100 मेंबर ने भी, या कोई मेंबर मिला के जो मान लो वोट, मान लो कि 1 लाख का इक्विटी है, ठीक है, उसमें से मान लो 15,000 भी कोई मेंबर्स होल्ड कर रहे हैं ना, 1/10 निकालना, 1/10 निकालना, 1/10 निकालना, ठीक है, तो आप तो भी SR बिना पास किए हुए ट्रैवल पास, लेकिन यहाँ पे ट्रैवल पास जाना होता है, यहाँ पे CG पास नहीं, ट्रैवल पास जाना होता है, इसीलिए याद रखना, यही तो बात होता है, जब देखो हम ट्रैवल पास गए, ट्रैवलर को लगा ठीक है, तब ट्रैवलर CG को ऑर्डर देता है, याद है, जो यहाँ पे सेल हो जाता है, यही ट्रैवलर ऑर्डर देता है, तो याद रखना, तुम्हें तुम्हारा CG अगर ऑर्डर रिजेक्ट भी कर दिया ना, तुम ट्रैवलर पर जाके एक बार रोक के दिखाना, और तुम कम नंबर भी मेंबर हो, ऐसा नहीं भी पास हुआ ना, तो 100 मेंबर्स हो या मेंबर जो भी होल्डिंग 1/10 ऑफ वोटिंग पावर है ना, तो भी ट्रैवलर तुम्हारे सुन सकता है। अब मान लो कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी विदाउट एनी शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेट हुई है, तो कोई बात नहीं, 1/5 ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी कर दो, सब मान लो 100 मेंबर है तो 1/5 निकाल दो इस कंपनी में, ठीक है, सर मान लो 200 मेंबर है तो 1/5 निकाल दो, देख लो इतने लोग हो तो जाओ फिर SFIO पे, परफेक्ट। सर मान लो इतना भी नहीं हो पाया, अकेला कोई मेंबर है बेचारा, रो रहा है, उसको लग रहा है कि फ्रॉड हुआ है, तो अकेला मेंबर भी जा सकता है, यस, तो यहाँ पे और लिखा है, देखो और ट्रिब्यूनल में ऑर्डर एन एप्लीकेशन मेड बाई एनी अदर पर्सन और सर्कमस्टांसेस दैट, बट याद रखना अकेला पर्सन भी जा सकता है, देखो पहला तो 100 मेंबर्स 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, अगर शेयर कैपिटल है तो, शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी, सर अगर इकलौता मेंबर भी है ना वो भी जा सकता है, बट ट्रिब्यूनल को लगना चाहिए कि ये सब सारी चीजें हुई है, क्या हुई है सारी चीजें, बिजनेस ऑफ कंपनी इज बिंग कंडक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड इट्स मेंबर्स या क्रेडिटर्स और एनी अनलॉफुल पर्पस, सर मतलब कंपनी बनी थी क्या मेंबर्स को डिफ्रॉड करने के लिए,
ट्रिब्यूनल को लग गया ना, ये बंदा रोया जाके, रोया ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल ऐसा सब बात है, ट्रिब्यूनल को लग गया ना कि यार ये कंपनी बनी थी डिफ्रॉड करने के लिए, ठीक है, तो कंपनी फिर ट्रिब्यूनल चाहे तो ऑर्डर दे सकती है। या मान लो पर्सन जो थे ना, पर्सन कंसर्न इन्फॉर्मेशन कंपनी, जो पर्सन उस कंपनी को बनाया ना या मैनेजमेंट को चला रहा कंपनी का, वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, पर्सन ही गिल्टी ऑफ फ्रॉड है। पहला तो क्या है, पहला कंपनी फ्रॉड है, दूसरा पर्सन ही बड़ा फ्रॉड है, ठीक है, मतलब ये विजय माल्या की बात कर रहा है। दूसरा मैं, पहला मैं आपको फ्रीडम 250 का फोन आया था उसकी बात कर रहा है सर। थर्ड में मतलब सर, इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन टू मेंबर्स इंक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर रिम्यूनरेशन। सर आपने मेंबर्स को ना इनएडुकेट गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि हमें पता है कि मैनेजर रिम्यूनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट मिलता है। सर मान लो 11% ऑफ नेट प्रॉफिट है, आपने क्या कर दिया, नेट प्रॉफिट 50 करोड़ था, आपने उसको 500 करोड़ कर दिया और अपने मेंबर्स को दे दिया। या मान लो 500 करोड़ नेट प्रॉफिट था, आपने 50 करोड़ दिखा के मेंबर्स को दे दिया, तो आपने इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन दिया। सर याद रखना ये पॉइंट ऐड हुआ है। इस बेसिस पे क्वेश्चन ड्राफ्ट हो सकता है कि कंपनी ने इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दिया मेंबर्स को फॉर रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर रिम्यूनरेशन, क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? तो यस, ट्रिब्यूनल को लगे तो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, अगर सिंगल बंदा भी जा रहा हो तो, ठीक है। सर इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो सर कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा। यस, आप किसी कंपनी पे आप उसको दाग लगा रहे हो, कंपनी को आप क्या बता रहे हो, उसके गुडविल खराब कर रहे हो, एक तरह से इन्वेस्टिगेशन होना, बहुत SFIU आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो कुछ तो आप रुपया जमा करा के जाओ, क्या पता आपने झूठ बोल रहे हो। तो देखो, रिक्वायर एप्लीकेंट एज पर सेक्शन 210। सर एप्लीकेंट मतलब जो SR पास करते हो, क्यों सर, और क्यों नहीं सर? देखो तीन केस पढ़ा था हमने, पब्लिक इंटरेस्ट सर, CG पब्लिक इंटरेस्ट में खुद से पैसा जमा करेगी नहीं सर, ROC पैसा जमा करके जाएगा नहीं, तो सर एक SR का केस ही बच गया ना, SR पास होता है तो मेंबर जमा करेंगे पैसा। तो देखो, सेल गिव सच सिक्योरिटी अमाउंट नॉट एक्सेडिंग 25,000। सर 25,000 जमा करो, SR पास कर दिए ना, 25,000 जमा करो और क्या करो, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा दो। याद रखना ये 25,000 भी वापस मिल जाएगा तुम्हें अगर सच सिक्योरिटी मनी सेल भी रिफंडेड। सर जैसे आप रूम लेने जाते हो ना, तो सिक्योरिटी मनी जमा करते हो, अगर तोड़फोड़ नहीं करते हो तो पैसा मिल जाता है आपको, तो वही बात है, सच सिक्योरिटी मनी सेल भी रिफंड टू एप्लीकेंट इफ इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इन टू प्रोसिक्यूशन। सर मान लो इन्वेस्टिगेशन, अगर मान लो पता चल गया यस, ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी तीनों ऑडिटर फ्रॉड किए हुए थे, इन्वेस्टिगेशन किया हमने, प्रोसिक्यूशन पता चल गया, अब इन पे कोर्ट कचहरी होगा, तो भैया तुम खुशी खुशी 25,000 पर लेके चले जाओ। बट सर नहीं हुआ प्रोसिक्यूशन तो तुम 25,000 भी गए, और भी देखेंगे आगे चीज है यहाँ पे, तो 25,000 जस्ट लाइक ए सिक्योरिटी मनी, तुम जो पैसा जमा कर रहे हो फॉर इन्वेस्टिगेशन हो गया, अब इन्वेस्टिगेशन टर्न्स इनटू प्रोसिक्यूशन, तो 25,000 भी तुमको क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। तो इस बार एग्जाम में ये 2 नंबर का MCQ आया था, कितना रुपया जमा करना होता है, तो अब चांसेस कम है इस पे आने का, ठीक है। सर 215 ये भी इंपॉर्टेंट है, मेरे को चांसेस एक केस सिनेरियो बन सकता है यहाँ से। सर मान लो ABC एसोसिएट्स, PQR लिमिटेड, मिस्टर साहिल, ठीक है ठीक है, अब चलो तीन ही रखते हैं। अब देखो ये क्या है, ये एक फॉर्म है, ये क्या है, एक कंपनी है, ये क्या है, एक इंडिविजुअल है। तो सर याद रखो, कोई इसमें मान लो इंस्पेक्टर अपॉइंट करना है, इंस्पेक्टर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो मान लो ABC एसोसिएट है ना, ये सारा इन्वेस्टिगेशन काम करती है, ये भी कंपनी ना इन्वेस्टिगेशन काम करती है, साहिल भी ना इन्वेस्टिगेशन काम करता है, तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कर सकता है? यस। तो याद रखना, नो फॉर्म मतलब नो फॉर्म, नो बॉडी कॉर्पोरेट जो कि ये और अदर एसोसिएशन शैल बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर। तो इस प्रोविजन में कोई भी कंपनी या कोई भी एसोसिएशन इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। सर कोई कंपनी इंस्पेक्टर नहीं बन सकता, याद रखना। दैट बेसिकली मींस ओनली एन इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल मिस्टर साहिल, यही क्या हो सकता है, अपॉइंट हो सकता है एज एन इंस्पेक्टर फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है यहाँ से आपको, कि कोई भी फॉर्म का नाम दे देगा, मैंने सारे केस सिनेरियो देखा था ऐसा, कि कोई भी फॉर्म का नाम दे देगा, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट दे देगा, बोलेगा ये सारे लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में डील करते हैं, और एक बंदे का नाम दे देगा, बोलेगा इसमें से इंस्पेक्टर कौन बन सकता है? याद रखना, सिर्फ इंडिविजुअल इंस्पेक्टर बन सकता है, जैसे कि इंडिविजुअल डायरेक्टर बन सकता है, कोई कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकता है, अदरवाइज सिर्फ इंडिविजुअल डायरेक्टर बन सकता है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल इंस्पेक्टर बन सकता है फॉर द प्रोसीडिंग्स ऑफ रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब हमें देखना है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। सब मतलब देखो, असली में पता चला है तो कंपनी के मालिकाना हक तो उनके शेयर होल्डर्स, उनके मेंबर्स के पास ही होता है। हाँ, कंपनी चलाता है, मैनेजमेंट डायरेक्टर करता है, बट ओनर्स कौन है कंपनी का, वो तो शेयर होल्डर्स या मेंबर ही रहते हैं। तो ओनरशिप कैसे पता चला किसी कंपनी का? सर उसकी शेयर होल्डिंग में, मान लो कोई कंपनी है, उसके 1,00,000 शेयर्स हैं, 50,000 मिस्टर ए लिए हुए, 50,000 मिस्टर बी लिए हुए, तो सर ए और बी क्या हुए, कंपनी के ओनर हुए। तो देखो, सीजी
देखो यही होता है ना, असली में पता चलता है कि मैनेजमेंट तो फंसता ही फंसता है, असली में ओनर को ही तो पकड़ना पकड़ना चाहिए। उन्हें भी तो सब भनक रहता ही है थोड़ा मोड़ा, कम से उनसे भी तो इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो यही हो, सीजी में अपॉइंट वन और मोर इंस्पेक्टर टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन मैटर रिलेटेड टू कंपनी एंड इट्स मेंबर्स फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग हु आर फाइनेंशियली इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड सक्सेस ऑफ फेलियर। देखो कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो इनको डिविडेंड मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है ना कंपनी के सक्सेस और फेलियर में, क्योंकि कंपनी जितना बेहतर प्रदर्शन करेगी इनको उतना अच्छा फाइनेंशियल इंटरेस्ट फाइनेंशियली इनको बेटर मिलेगा। कंपनी जितना लॉस में जाएगी इनको हमेशा डिविडेंड नहीं मिलेगा, हमेशा लॉस होगा तो कुछ नहीं मिलेगा इनको। तो हमें ये पता लगाना है कि कंपनी में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मैनेजमेंट से पीछे झुक के काम करते हैं, जो फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है कंपनी में, कंपनी का सक्सेस और फेलियर में, क्योंकि फ्रॉड हुआ होगा कहीं ना कहीं, वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंटरेस्टेड होंगे। और सेकेंड, और ऐसे लोग भी होते हैं जो कंपनी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होते बट कंपनी को डायरेक्ट करते हैं दूर बैठ के। मान लो ये दोनों तो ठीक है, दोनों ने शेयर होल्डिंग किया, ये डिविडेंड मिलेगा, ये फाइनेंशियल इंटरेस्टेड है, बट ऐसा कोई बंदा है जो है ना सिर्फ कंपनी को चला रहा है, इनको इनको पता नहीं है बट इनको बस रेमुनरेशन मिल रहा है, ये कंपनी को चला रहा है, कंपनी को ना कठपुतलियों से नचा रहा है। तो ये क्या होता है, ये पॉलिसी बनाता है कंपनी का, कंपनी की एचआर पॉलिसी, कंपनी की इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी, कंपनी का आईटी पॉलिसी, कंपनी का बैकअप पॉलिसी, हर पॉलिसी बंदा बनाता है। तो हमें पता करना है कि पहले कौन फाइनेंशियली इंटरेस्टेड है। तो ये कैसे पता चलेगा, जो सिंपल सी बात है, जो कंपनी के शेयर होल्डिंग होल्ड करते होंगे, ठीक है, ओनरशिप तब पता चलेगा। और हु आर एबल टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ ए कंपनी, कौन कंपनी के पॉलिसी को कंट्रोल कर रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, फॉर एंड टेकिंग डिसीजंस। सिंपल सी बात है, सी जो है वो क्या कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है कंपनी के रिगार्डिंग, तो कहीं ना कहीं इसका भी एक इनडायरेक्ट कंट्रोल है, जिसको हम अलग लैंग्वेज में ऑडिट लैंग्वेज डू फैक्टो कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पहले ये पता लगाओ ओनरशिप कैसे पता लगती है, दो तरीके से, जो फाइनेंशियल इंटरेस्टेड है और जो क्या है, जो कंपनी को डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो छुप के पीछे काम करते हैं, ठीक है। सीजी डिटरमाइन करेगी स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्लूड्स टेन्योर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कितने टाइम के लिए आपको इन्वेस्टिगेशन करना है और कौन कौन सा मैटर कवर करना है, सर शेयर्स जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए, डिवेंचर्स होल्डर के लिए, बॉन्ड के लिए, किन किन का ओनरशिप पता लगाना है शेयर्स के थ्रू, डिवेंचर थ्रू, तो ये सीजी डिटरमाइन करेगा अपने स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। सब प्रोसीड्स पावर ऑफ इंस्पेक्टर क्या क्या होगा, सर सेम एस सेक्शन 200 उधर जो पढ़े थे हमने, डाइस वाली पावर पढ़े थे ना 207 में, सेम है, सेम पावर एज इंस्पेक्टर ऑफिसर्स, ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ आवर एम्प्लॉय टू गिव असिस्टेंस टू इंस्पेक्टर, सिंपल यही है, सिविल कोर्ट वाले डाइस वाले पावर, ठीक है, इस पे ज्यादा दिमाग लगाना, सर ये इंपॉर्टेंट है, मेरे अंदाज एग्जाम में आपको इस पे एक जलवा दिखने वाला है इस क्वेश्चन पे। सर क्या है सुनो, सर ये सेक्शन मेरे अंदाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमें पता है कंपनी में काम चल रहा था, ठीक है, अब ये दो बंदा था, इनको फ्रॉड की पूरी भनक थी कि कंपनी में फ्रॉड कर रहे हैं ना ये ए और बी, इनको पता था कंपनी फ्रॉड चल रहा है, इसके पीछे ऑडिटर भी है, इसके पीछे सीएस भी है, इसके पीछे कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं, ठीक है। अब कंपनी सोचा ना कि यार ये दोनों को है ना निकाला जाए, अदरवाइज ये क्या करेंगे, अपना मुंह खोल देंगे, अपना फंस जाएंगे, कंपनी अपना फंस जाएंगे, निकाला जाए इनको, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पता चला ये लोग ना बोल देंगे। तो देखो तुम किसी को भी, तुम मतलब क्या कंपनी, तुम किसी को भी क्या कर सकते हो, सुनो अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय थे ना इनके खिलाफ एक्शन लेने से पहले आपको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान रिलेटिंग टू कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ, अब देखो सुनो कंपनी चाहती है ए और बी को हटाना, तो सबसे पहले क्या करो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर लेके आओ, ठीक है, ट्राइब्यूनल को अप्लीकेशन डालो कि हम ए और बी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही हटाना चाहते हैं। तो तुम किसी को हटाना भी चाहते हो, सुनो, तुम किसी को डिस्चार्ज और सस्पेंड टेम्परेरी होता है, तुम ए और बी को काम कर रहे हो, ए और बी को बोल रहे हो तुमको हम सस्पेंड करना चाहते हैं, क्यों क्यों कर रहा है कंपनी, क्योंकि लग रहा है कि ए और बी अगर कंपनी में रहेगा ना तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ पूछताछ होगा ना, ए और बी बोल देगा, तो कंपनी चाहते हैं उसको काम करो 3-4 महीने के लिए सस्पेंड कर दो। तो तुम कंपनी किसी को भी डिस्चार्ज कर रहे हो या सस्पेंड कर रहे हो कोई भी इंप्लॉय को, या मान लो उसका रिडक्शन ऑफ रैंक कर रहे हो, धमकी दे रहे हो कि तुम ए और बी तुम बोल दोगे ना तो रैंक रिड्यूस कर देंगे, तुमको सीईओ से नॉर्मल इंप्लॉय कर देंगे, ठीक है। And to change in terms of employment, आप उसकी सैलरी 80 लाख पर एनम से 8 लाख पर एनम कर रहे हो, तो जो भी इंप्लॉयमेंट के टर्म्स में चेंज करो, सिंपल सी बात है, कुछ भी डिसएडवांटेज कर रहे हो उस एम्प्लॉय के साथ, ठीक है, क्यों कर रहे हो, ड्यूरिंग द कब कर रहे हो, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो, क्योंकि कर देंगे तो ये चुप रहेगा, अपना इन्वेस्टिगेशन दौरान कुछ बोलेगा नहीं इंस्पेक्टर को, ठीक है। बट याद रखना ये सब करने से पहले है ना द कंपनी डज नॉट रिसीव, ये सब करने से पहले कंपनी को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा ट्राइब्यूनल को, एप्लीकेशन दे दिया कि ए और बी को हम हटाने वाले हैं, इफ ट्राइब्यूनल के पास 30 दिन है, ठीक है, ट्राइब्यूनल पास 30 दिन है, 30 दिन मतलब सर ट्राइब्यूनल पास एप्लीकेशन आया 1 अक्टूबर को, तो ट्राइब्यूनल पास 30 दिन है, 30 दिन अंदर डिसीजन देगा ट्राइब्यूनल कि तुम हटा सकते हो नहीं हटा सकते हो। ट्राइब्यूनल मान लो कुछ नहीं बोला,
ऑलरेडी हमें पता है कि इंडिया का कोर्ट कितना बिजी शेड्यूल पे चल रहा है, ट्राइब्यूनल ने कुछ नहीं बोला, तो क्या कंपनी हटा सकती है? यस, फिर कंपनी हटा सकती है। तो यही होता था डीम हटाना, अगर ट्राइब्यूनल ने कुछ नहीं बोला तो डीम हटा सकती कंपनी, उसका रिड्यूस कर सकती है, रैंक डिस्चार्ज कर सकती है, चेंज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर सकती है। बट सर देखो, इफ देन सुनो, इफ कंपनी डज नॉट रिसीव विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 218 दैट इज अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल, देन द कंपनी मे प्रोसीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट द एम्प्लॉय। फिर कंपनी चाहे तो उसके खिलाफ अपना एक्शन ले सकती है, जो ए और बी के खिलाफ उसका उसका चाहे तो ये तीनों चीज कर सकती है, डिस्चार्ज, रिडक्शन ऑफ रैंक। बट 30 दिन के अंदर कुछ अप्रूवल नहीं है ट्राइब्यूनल का तो, बट इफ कंपनी इज डिससेटिस्फाइड विद ऑब्जेक्शन रेज बाय ट्राइब्यूनल, मतलब सर मतलब कंपनी ने बोला कि ए और बी को हटाना है, ट्राइब्यूनल फंस गया, ट्राइब्यूनल ने 30 दिन का ऑर्डर दे दिया, मतलब 16वां दिन ऑर्डर दे दिया कि आप ए और बी को नहीं हटाओगे, अब कंपनी बोलेगा यार ये क्यों? हो सकता है जेन्यून हो कंपनी, कंपनी जो सोचे यार ए और बी तो काम ही नहीं कर रहा है, इसका इसका ग्रोथ, ए का ग्रोथ है ऐसे चल रहा है, स्टार्टिंग में आया था ऐसे चल रहा था, फिर एकदम ग्रोथ रुक गया नीचे, तो यार जेन्यून है ना, जो ऐसा ग्रोथ जाएगा तो हटाओ इसको एम्प्लॉय से, ठीक है? तो कंपनी जेन्यून केस में इसको हटाना चाह रहा है, तब ट्राइब्यूनल को क्या दिक्कत है भाई? तब देख सुनो, अगर ट्राइब्यूनल ने बोल दिया नहीं हटाओगे ना, तब कंपनी चाहे तो इसको ऑब्जेक्शन उठा के जा सकती है कहां, अपीलेट ट्राइब्यूनल में, ठीक है? तो कंपनी जाके अपील फाइल कर सकती है अपीलेट ट्राइब्यूनल में। एक बात याद रखना, अगर अपीलेट ट्राइब्यूनल ने बोल दिया हटाना है या अपीलेट बोल दिया नहीं हटाना है, तो भैया ये फाइनल रहेगा, फिर अपीलेट ट्राइब्यूनल सब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते इस मैटर पे, तो याद रखना अपीलेट ट्राइब्यूनल इज द फाइनल जजमेंट देने वाला बंदा, ठीक है? ट्राइब्यूनल ने बोल दिया हटाना है तो भैया हटा दो, ट्राइब्यूनल बोल दिया नहीं हटाना है तो भैया कंपनी बोलेगा ऐसा क्यों भाई, वो तो काम ही नहीं कर रहा, हम क्यों रखे, तुम अपना काम करो, हमारा कंपनी लॉस मेकिंग कर रहा है दोनों मिलकर, हम हटाएंगे, तो तुम ट्राइब्यूनल के ऑब्जेक्शन के खिलाफ जाके फाइल कर दो अपीलेट ट्राइब्यूनल में, ठीक है? बेचारा एम्प्लॉय बेचारा यहाँ पे फंस जाता है। सब पावर ऑफ इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ रिलेटेड कंपनी। अब सर रिलेटेड कंपनी क्या होती है? ये कंपनी है, इसमें इसका 51% शेयर होल्डिंग है, तो हो गई ये सब्सिडरी, ये होल्डिंग, तो ऐसे ऐसे रिलेटेड कंपनीज होती है ना, यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। देखो, एक तो कंपनी अपने दायरे में रख के आप इंस्पेक्टर उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, या तो इसके रिलेटेड कंपनीज का भी इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो सर कौन कौन रिलेटेड कंपनी? देखो, इफ एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 210, 212, 213 जो भी सेक्शन में इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ होगा, कंसीडर इट नेसेसरी इट ही कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट अफेयर्स ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज जो अभी या हैज एट एनी रिलेवेंट टाइम बीइंग कंपनी सब्सिडरी होल्डिंग। मतलब मान लो 2008 का कोई केस खुल रहा है, ठीक है? 2008 का कोई केस खुल रहा है, इस समय कंपनी हमारी एबीसी थी, इसकी होल्डिंग थी पीक्यूआर, अब ये होल्डिंग हट चुकी है 2020 में, ये होल्डिंग हट चुकी है, अब 2020 में एबीसी की होल्डिंग है आरएसटी। चलो अब समझते हैं हम आगे की बातें देखते हैं, ठीक है? अब हमें जानना है कि मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट उस टाइम में या मान लो अभी कंपनी की क्या है, सब्सिडरी या होल्डिंग है, सर सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट की रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी? नहीं, ये मान लो एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज बीन एनी रिलेवेंट टाइम मैनेज बाई एमडी। सर मान लो आपकी कंपनी का एमडी है, ठीक है? और अब कंपनी का एमडी आपके ना उस टाइम में वो कोई कंपनी चला रहा था, ठीक है? एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज एट एनी टाइम, हैज मतलब पास्ट की बात कर रहा हैज एट एनी रिलेवेंट टाइम पास्ट की बात कर रहा है, बीइंग मैनेज बाई एमडी मैनेजर। सर मान लो आपकी कंपनी एबीसी है, आपकी कंपनी का मैनेजर है, सर ये कोई कंपनी रन करता था ना, ये भी आपकी क्या होगी, रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी, और इसका भी क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है? सर सी क्या बोला, एनी पर्सन हु इज और हैज एट एनी रिलेवेंट टाइम बीन कंपनी एमडी मैनेजर एम्प्लॉय डायरेक्टर ईटीसी। देखो सर, मान लो कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी का एम्प्लॉई है, या आपकी कंपनी का क्या है, मैनेजर है, तो जो भी कंपनी का एम्प्लॉय मैनेजर पास्ट प्रेजेंट, जो भी पास्ट प्रेजेंट है ना, सबका क्या होगा, सब रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी, और सबका क्या होगा, सबका होगा इन्वेस्टिगेशन। अब बताओ सर, सुन एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखो ये कंपनी है, ठीक है? और ये कंपनी की रिलेटेड पार्टी है, इंस्पेक्टर आया यहाँ पे कंपनी की इंस्पेक्शन करने, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बट उसे रिलेटेड पार्टी का भी करना है। तो देखो सर, थोड़ा बाउंड्री से आगे गया ना ये, मतलब रिलेटेड पार्टी तक गया, तो किसी रिलेटेड पार्टी के पास जाके बोलेगा रिलेटेड पार्टी हमें तुम्हारा करना है इन्वेस्टिगेशन। रिलेटेड पार्टी बोलेगी किस बेसिस पे, तो तुम्हारी कंपनी है ना उसका हो रहा है इन्वेस्टिगेशन इस बेसिस पे। रिलेटेड पार्टी बोलेगी हम नहीं मानते, तो भाई तुम्हें सीजी का अप्रूवल लेके जाना पड़ेगा। कंपनी में करना है इन्वेस्टिगेशन, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी से बाउंड्री से आगे बढ़ के करना है इन्वेस्टिगेशन, मान लो उसके रिलेटेड पार्टीज का इन्वेस्टिगेशन करना है, तो तुम्हें याद रखना तुम्हें अप्रूवल लेके जाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का।
ठीक है, सीजी का अप्रूवल लेके जाना ही पड़ेगा भाई। सीजी का अप्रूवल मांगेंगे, कौन मांगेंगे? कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो उस टाइम पे रिलेटेड पार्टी थी, कोई भी एमडी जो उस टाइम पे कंपनी चला रहा था वो कंपनी भी, और कोई भी कंपनी का एमडी पास्ट एम्प्लॉय जो भी है ना, उससे भी सीजी का अप्रूवल लेके जाना पड़ेगा, वो मांगेंगे सीजी का अप्रूवल। ठीक है, फिर याद रखना ये सब का हो सकता है इन्वेस्टिगेशन। सर 220 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नहीं ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट। सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय इंस्पेक्टर, सर यहाँ पे कौन सा सीजर, सॉरी सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, कौन सा सीजर? सर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन बेसिस पे सीजर हो रहा है। सर वहाँ पे सीजर देखा था हमने, वो इंक्वायरी इंस्पेक्शन के बेसिस पे सीजर हुआ था, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे सीजर है। ठीक है, तो सर सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय इंस्पेक्टर, देखो मैंने एक है ना वो बना दिया हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। देखो सेम है सेक्शन 209 में जो मैं पढ़ा था सीजर वाला, बट अप्रूवल स्पेशल कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर इंस्पेक्टर लगे कोई डायरेक्टर या कोई ऑडिटर का डॉक्यूमेंट्स मल्टीफाई या फॉल्सिफाई या मान लो जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, फेंका जा रहा है, तो वहां पे हमें ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लेके जाना पड़ता था, स्पेशल स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल लेके जाना पड़ता था। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया ना, मतलब 210 लग चुका है ना, उसके बाद तुम्हें किसी का सर्च सीज करना है ना, तो यहाँ पे याद रखना यहाँ पे किसी स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल नहीं लगेगा, दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, वहां पे दोस्त दिमाग में बैठाना, एग्जाम में पकड़ेंगे कैसे? एग्जाम में ये पकड़ेंगे कि अगर आरओसी आ रहा होगा, ठीक है, आरओसी आ रहा होगा, रजिस्ट्रार आ रहा होगा, समझ लेना 209 है, क्योंकि रजिस्ट्रार काम 209 तक ही होता है, उसके आगे सिर्फ इंस्पेक्टर करता है, इंस्पेक्टर करता है, तो रजिस्ट्रार का इंस्पेक्टर का काम सिर्फ 209 तक होता है। तो एग्जाम में 200 आपको आरओसी दिख गया होगा, समझ लेना वो 209 की इंस्पेक्शन की बात कर रहा है, सीजर की बात कर रहा है, बट आपको सिर्फ इंस्पेक्टर दिखा है और इन्वेस्टिगेशन दिख रहा है, तो समझ लेना 220 का सीजर है, तो यहाँ पे स्पेशल कोर्ट का परमिशन नहीं लगता है। सॉरी, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। सर देखो एक डिफरेंशिएट देख लेते हैं, सर अप्रूवल 209, नो अप्रूवल 220, यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं लगता है। इंस्पेक्शन इंक्वायरी के बेस पे सर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बेस पे सर्च एंड सीज करेंगे। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का बेस होता है, यहाँ पे इंस्पेक्शन इंक्वायरी का बेस होता है। बुक्स आर एक्सपेक्टेड टू डिस्ट्रॉय, यहाँ भी सेम है, बुक्स आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉय, एक्सपेक्टेड टू बी डिस्ट्रॉय ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन 206-207। यहाँ पे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मतलब 210 वाले सेक्शन के आगे क्या सर्च सीज होता है यहाँ पे। ठीक है, सर 180 days प्लस 180 days का होता है यहाँ पे, हमें पता होगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टिल द कम्प्लीशन ऑफ डेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम उसको सीज करके रख सकते हैं, मतलब 5 साल इन्वेस्टिगेशन चले ना, 5 साल तक उसको सीज कर सकते हो, लेकिन याद रखना इन्वेस्टिगेशन वाला होना चाहिए वो सीजर, ये नहीं कि वो सर्च वाला 209 वाला। ठीक है, तो ये आप डिफरेंशिएट याद रखना, यहाँ पे कोई स्पेशल कोर्ट की अप्रूवल नहीं लगती है। ठीक है सर, अब पढ़ते हैं 211। सर 220, 221, एक साइड फोल्डर छिप गया है पीछे, इसको लेके लाना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर में यही दिक्कत है थोड़ा, चलो कोई नहीं हो जाएगा। देखो 220 हमने देख लिया, 220 में सीजर था, 221 सर बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आईसीए के एमसीक्यू कहीं ना कहीं घूम रहा है। सर क्या है? सर फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, सर फ्रीजिंग ऑफ एसेट, एसेट की बात कर रहा हूँ, एसेट मतलब कोई भी एसेट, एसेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सर फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स ऑन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, अब एसेट्स को फ्रीज करना है, यहाँ पे एक चीज याद रखना जो मैं लिखवाने वाला हूँ। सर यहाँ पे एसेट्स का सीज करने का अप्रूवल या परमिशन कौन देता है? एनसीएलटी, दैट इज ट्राइब्यूनल। यहाँ पे सीजी रिक्वेस्ट करता है, यहाँ पे सीजी रिक्वेस्ट करता है ट्राइब्यूनल मतलब एनसीएलटी को, देन एनसीएलटी फ्रीज करता है। तो यहाँ पे फ्रीज सीजी नहीं करता है, यहाँ पे फ्रीज नेशनल कंपनी एनसीएलटी करता है। ठीक है, फ्रीज का ऑर्डर याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है क्या सीजी फ्रीज करता है? नहीं, एनसीएलटी करता है, सीजी एप्लीकेशन देता है एनसीएलटी को, एनसीएलटी एनसीएलटी इस कंपनी के एसेट्स को फ्रीज करना है। ठीक है, तो सीजी कैन मेक एप्लीकेशन टू एनसीएलटी फॉर फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स funds and properties, sir assets मतलब सारे assets, stock, current, fixed assets, जैसे ऐसे सारे assets, sir assets को freeze करना सोचो कितनी बड़ी बात होगी। ठीक है, if reasonable grounds, ठीक है, that assets transfer is likely to be placed prejudicial to the interest of company, मतलब सर कंपनी को लग गया था कि हम फ्रॉड फंसने वाले, डायरेक्टर लग गया फ्रॉड फंसने वाले, अब कंपनी हमसे पैसा वसूलेगी, एनसीएलटी हमसे पैसा वसूलेगी, सीजी हमसे पैसा वसूलेगी, तो डायरेक्टर ने क्या किया, प्रॉपर्टी अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी थी इसकी, नोएडा दिल्ली मरा सारे प्रॉपर्टी को बेचने का कोशिश किया। ठीक है, तो इस कोशिश को नाकाम करने के लिए ना एनसीएलटी क्या करती है, फ्रीज लगाती है, सीजी एप्लीकेशन देता है एनसीएलटी, एनसीएलटी देन फ्रीज करती है। ठीक है सर, 3 ट्रिगर पॉइंट्स है फ्रीज करने के, कब कब 3 ट्रिगर पॉइंट्स है फ्रीज करने के याद रखना, इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन,
इंटू अफेयर्स ऑफ कंपनी, ट्राइब्यूनल, देखो ट्राइब्यूनल करता है, ठीक है, ट्राइब्यूनल करता है, ट्राइब्यूनल शैल इंपोज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेशन ट्राइब्यूनल को लगे कि भैया ट्रांसफर करना, रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है, रिमूवल करना बहुत जरूरी, रिमूवल पर रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है, डिस्पोजल पर रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत जरूरी है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कुछ उसको भनक हुआ होगा। तो पहला केस यह क्या हो सकता है, ट्राइब्यूनल को खुद से भनक हुआ होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो आप कर सकता है, मतलब ट्राइब्यूनल नहीं, सीजी को भनक हुआ होगा, इंस्पेक्टर को भनक हुआ होगा, इंस्पेक्टर ने, देखो इंस्पेक्टर ने सीजी को बोला होगा, भनक हुआ होगा, सीजी ने ट्राइब्यूनल को बोला, ट्राइब्यूनल बस एक ऑर्डर देता है ये करने का, असली भनक तो इंस्पेक्टर को लगता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड वही उतर रहता है, उतर के काम करता है। सेकंड ट्रिगर पॉइंट्स क्या से आ सकते हैं एग्जाम में, जो भी क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर्स हैविंग 1 लाख आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द कंपनी, क्रेडिटर का 1 लाख रुपया अगर आउटस्टैंडिंग है ना कंपनी के अगेंस्ट, देन सच क्रेडिटर्स मेक एप्लीकेशन टू सीजी रिगार्डिंग फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, देन वो क्रेडिटर्स भी क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन देके फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स कर सकते हैं, देन सीजी अपना ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देगा, ठीक है। थर्ड क्या बोला सर, क्यों हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि पता है ना क्रेडिटर्स का पैसा का रिकवरी कहाँ से होने वाला है, प्रॉपर्टी से होने वाला है, इसलिए क्रेडिटर का भनक हो जाता है कि ये चेंज होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं आईबीसी से लिंक था, पहले आईबीसी में वन लाख था, अब आईबीसी में 1 करोड़ हो गया, तो इसको भी चेंज कर देना चाहिए थोड़ा थोड़ा, 1 लाख का यार आउटस्टैंडिंग अमाउंट है तो फ्रीज करने का ऑर्डर दे दोगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी है पॉइंट याद रखना, 1 लाख का क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग होगा तो वो भी फ्रीज करने का ऑर्डर दिलवा सकता है सीजी को एप्लीकेशन करके। सर थर्ड क्या, एप्लीकेशन मेड बाई मेंबर्स, एक सेकेंड, एप्लीकेशन मेड बाय मेंबर्स, मतलब मेंबर्स ने एप्लीकेशन डाला रिगार्डिंग क्रिएटर्स अंडर सेक्शन 244, ऑपरेशन हो रहा है, अत्याचार हो रहा है मेंबर्स के लिए, मेंबर्स पे अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ऑपरेशन हमेशा आता है ना मेंबर्स पे होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे नहीं होता अत्याचार, उसके लिए अलग से प्रोविजन है, मेंबर्स पे अत्याचार होता है तो हम ऑपरेशन प्रिवेंशन ऑपरेशन मैनेजमेंट एक्ट में जाते 241 पढ़ते हैं वहाँ पे हम कंपनीज एक्ट का, ठीक है। तो अगर किसी ऑपरेशन ऑपरेशन हो रहा है किसी मेंबर्स पे, वो भी एप्लीकेशन दे सकता है किसके रिगार्डिंग, फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स के रिगार्डिंग। सो 3 ट्रिगर पॉइंट्स है, ट्राइब्यूनल को मतलब इंस्पेक्टर को खुद लगे या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन की यार फ्रीज कर देना चाहिए इसके एसेट्स, ठीक है, क्रिएटर्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 लाख रुपया उसको लगेगा या फ्रीज कर देना चाहिए एसेट्स, या मान लो 241 244 में ऑपरेशन के रिगार्डिंग एप्लीकेशन जा चुका है तभी फ्रीज कर सकते हैं, ठीक है। सर इट मे बाई ऑर्डर डायरेक्ट दैट सच ट्रांसफर रिमूवल डिस्पोजल शैल नॉट प्लेस, सर 3 साल तक ये एमसीक्यू बन सकता है, सर कितने साल तक फ्रीजिंग होता है, 3 साल तक फ्रीज हो सकता है, तो मैक्सिमम फ्रीजिंग टाइम ऑफ एसेट 3 साल, मिनिमम कितना भी हो सकता है सर, 2 दिन के लिए फ्रीज कर सकते हैं, 10 दिन भी कर सकते हैं, 4 महीने कर सकते हैं, चाहे तो आप 30 महीने कर दो, या लास्टली याद रखना 3 साल तक ही फ्रीज कर सकते हो किसी कंपनी के एसेट्स को, बहुत बड़ी बात है किसी कंपनी के एसेट्स को फ्रीज करना, तो याद रखना मैक्सिमम 3 साल तक ही फ्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया 221, अब है 222, ठीक है। अब देखते हैं इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अपॉन सिक्योरिटीज, सर देखो हमने बात कर लिया एसेट्स को फ्रीज करना, ठीक है, क्या हम सिक्योरिटीज को फ्रीज कर सकते हैं, मतलब सर मान लो इस कंपनी है, इस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 50,000 सिक्योरिटीज ए रखा हुआ है, बी रखा हुआ है, सर अगर हम बताएं कंपनी में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, इनको भनक लग गया ए और बी को, यार कंपनी में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, एक काम करते हैं ना हम अपने सारे एसेट्स, हम अपने सारे सिक्योरिटीज सेल कर देते हैं, 5,000 सब सिक्योरिटी सेल करते हैं, सब सिक्योरिटी सेल कर देते हैं, तो सोचो फिर ट्रू ऑनर आइडेंटिफाई करना कितना मुश्किल हो जाएगा, जो 216 में पढ़ा था हमने। देखो फाइनेंशियल इंटरेस्टेड इन द कंपनी, तो इसलिए ओनरशिप पता करने के लिए ना हम फ्रीज करवा देते हैं सिक्योरिटीज को भी, तो कहीं ना कहीं इसका लिंक है ना, कहीं ना कहीं इसका लिंक है ना 216 से होता है, तो ट्राइब्यूनल ही करता है, देखो फ्रीजिंग का सारा काम ट्राइब्यूनल करेगा, एमसीक्यू आने का हाईली चांसेस है, तो ट्राइब्यूनल मे बाय ऑर्डर पुट रिस्ट्रिक्शंस अपॉन सिक्योरिटीज, सर सिक्योरिटीज मतलब दोनों हो सकता है, शेयर्स डिबेंचर सब हो सकता है, ठीक है, वेयर इट अपीयर्स टू सीजी इंस्पेक्टर इन कनेक्शन विद एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन इतना ट्रू ऑनर ऑफ कंपनी, मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन को लगे या ट्रू ऑनर पता करना मुश्किल हो जाएगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो ट्राइब्यूनल चाहे तो पुट कर सकता है रिस्ट्रिक्शंस अपॉन सिक्योरिटीज, ठीक है। ट्राइब्यूनल मे बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट सिक्योरिटीज शैल बी सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शंस एज मे डीम फिट फॉर पीरियड नोटिस इन 3 इयर्स, सेम है, 3 साल तक क्या कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। सर ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा रहे हैं, सर 216 में हमें ट्रू ओनर पता करना होता था, तो हमारे सिक्योरिटीज अगर हम सेल करना अगर नई रिस्ट्रिक्शन लगाए तो ए और बी सोचो कितने टुकड़ों में सेल कर देगा सारे एसेट्स सारे सिक्योरिटीज को, फिर हम ट्रू ओनर पता करना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। टू डिटरमाइन द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी हम क्या करते हैं ट्रिब्यूनल्स पे क्या करता है रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ठीक है। सर 223 अब सुनो क्या हुआ, अब सुनो ना इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है, समझे, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया तो एक रिपोर्ट बनेगी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, ठीक है, इंस्पेक्टर रिपोर्ट बनाएगा, तो एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस चैप्टर मे इफ सो डायरेक्ट बाय सीजी शैल सबमिट इंटरिम रिपोर्ट। सर इसका मतलब क्या हुआ,
अगर सीजी ने मांगा ना, अगर सीजी ने मांगा ना तो सेल सबमिट एन इंटरव्यू रिपोर्ट। सर देखो इंटरव्यू रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी नहीं है। इंटरव्यू रिपोर्ट क्या होता है सर, फाइनल रिपोर्ट से बनने से पहले प्री रिपोर्ट बनती है इंटरव्यू रिपोर्ट, कि आप क्या क्या कर चुके हो अभी, अभी फाइनल नहीं बना है। तो क्या इंटरव्यू रिपोर्ट करना मैंडेटरी है? नहीं। देखो क्या बोला, इफ सो डायरेक्ट बाई सी जी देन सेल सबमिट इंटरव्यू रिपोर्ट। अगर सीजी ने बोल दिया तब तो आपको इंटरव्यू रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी। अगर सीजी ने नहीं बोला, आपने नहीं सबमिट किया, चलेगा ठीक है। टू द गवर्नमेंट एंड ऑन कंक्लूजन, एंड ऑन कंक्लूजन मतलब कंक्लूड करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद, इन्वेस्टिगेशन ऑन कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट सेल सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट। ये फाइनल रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, मतलब आपका इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया 3 साल 2 साल बाद, तो एक फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दो सीजी को, ठीक है, याद रखना। एवरी रिपोर्ट, हर रिपोर्ट सेल बी रिटन रिटन एंड सच रिपोर्ट आइदर ऑथेंटिकेट और रिपोर्ट बाय सील ऑफ कंपनी, या तो कंपनी का सील लगा होकर इस रिपोर्ट पे लगना चाहिए ना कि तुमने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इन्वेस्टिगेशन किया था, उसका सील लगा होना चाहिए। आइदर आइदर मतलब कोई भी एक या तो ये या तो ये, या तो तुमने सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक ऑफिसर अंडर एविडेंस एक्ट 1972, या तुम एक सर्टिफिकेट लिया पब्लिक ऑफिसर का जो भी एविडेंस एक्ट 1972 है उससे एविडेंस लिया के क्या करो, उसको ऑथेंटिकेट कर दो। सिंपल बात है, वो रिपोर्ट जो है ना वो ऑथेंटिकेट कैसे कहलाएगी, या तो कंपनी का सील लगा हो उस पे, या तुम एक काम करो सर्टिफिकेट लिया पब्लिक ऑफिसर का जो कि अंडर एविडेंस एक्ट 1972 में बताया गया कौन सा पब्लिक ऑफिसर क्या। तो सर इंटरव्यू रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी है? नहीं, इंटरव्यू रिपोर्ट सबमिट करना मैंडेटरी नहीं है। अगर डायरेक्ट कर दिया सीजी तब मैंडेटरी हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको अरेंज कर देता हूं पहले। चलो अब आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 224। सर देखो इंस्पेक्टर ने अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन टेकन करेगी, क्या क्या एक्शन लेगी वो देखेंगे, ठीक है। एक्शन टू बी टेकन इन पर्सन ऑफ इंस्पेक्टर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 223। सर इफ एन इंस्पेक्टर रिपोर्ट मेड अंडर सेक्शन 223 इट अपीयर्स टू सीजी दैट एनी पर्सन हैज इन रिलेशन टू कंपनी हुज अफेयर्स हैज बीन इन्वेस्टिगेटेड अंडर चैप्टर हैज बीन गिल्टी ऑफ ऑफेंस, वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस हो जाएगा सर, फ्रॉड का उस पर लग सकता है, ठीक है। फॉर विच सीजी मे प्रोसिक्यूट, अब सीजी क्या करेगी उसको प्रोसिक्यूट करेगी फॉर सच पर्सन फॉर सच ऑफेंस, जो भी फ्रॉड निकलेगा ना सीजी उसको क्या करेगी पनिशमेंट देगी। अभी ये सुनो, इन्वेस्टिगेशन फॉर वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करके फॉर वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स भी कर सकता है सीजी, सेव मोटो बाई सीजी वाइंडिंग अप भी कर सकता है कंपनी, मान लो उस वजह से ना 200 करोड़ का घाटा हुआ, ठीक है, एंड रिकवर द अमाउंट बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज। मान लो उस कंपनी ने बहुत बड़ा घोटाला किया, 200 करोड़ का घोटाला हुआ, तो सीजी चाहे तो वाइंडिंग अप देके खत्म कर सकती है, रिकवर कर सकती है अमाउंट, कैसे, थ्रू सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी उसका प्रॉपर्टी जहां जहां प्रॉपर्टी होंगे ना, जिस सब्सिडी प्रॉपर्टी होंगे सारे प्रॉपर्टी को सेल करके और रिकवरी कर सकती है डैमेजेस, जो भी डैमेजेस हुए होंगे जिस क्रिएटर्स को जो भी स्टेक होल्डर्स को वो डैमेजेस भी निकाल सकती है और वो प्रॉपर्टी का रिकवरी कर सकती है जो अमाउंट है, ठीक है। एंड ऑल्सो सीजी सेल इंडेमनिफाई एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अगेंस्ट एनी कॉस्ट, ठीक है। इजी लैंग्वेज था, बहुत इजी था, आराम से कर सकते हो। जो भी कंपनी को लॉस हुआ, जो कुछ भी हुआ बॉडी कॉर्पोरेट को हुआ, सीजी क्या कर सकती है रिकवरी कर सकती है थ्रू सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी और रिकवरी ऑफ डैमेज कर सकती है, जो भी अपना प्रॉपर्टी रिकवरी करके बाइंडिंग अप करवा के, ठीक है। और याद रखो यहाँ पे याद रखना, याद है सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया था 25,000 रुपीज का, जो हमने पढ़ा था वो रिफंड हो जाएगा इफ इन्वेस्टिगेशन टर्न्स इनटू प्रोसिक्यूशन। सब ये वक्त आ गया, इन्वेस्टिगेशन टर्न्स इनटू प्रोसिक्यूशन देन सिक्योरिटी मनी शैल बी रिफंडेड टू एप्लीकेंट इफ इट टर्न्स आउट टू बी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यहां पे लिखना इन्वेस्टिगेशन टर्न्स इनटू प्रोसिक्यूशन, ठीक है, ठीक है, तो रिफंड हो जाएगा, पैसा रिफंड होगा 25,000 रुपए का। सर एक्सपेंस कैसे कौन बियर करेगा? सबसे पहले सीजी एक्सपेंस बियर करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले खुद खर्च उठाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा पहले खुद खर्च उठाएगा, देन बाद में उसको क्या लेगा रिमबर्समेंट लेगा, जैसे आप स्टाइपेंड नहीं सॉरी जब आप है ना कन्वेंस चार्ज लगाते हो तो पहले खुद की पैसा खर्च करते हो, मेट्रो एक्सपेंस लगाते हो, ऑडिट प्लेस जाते हो, तो बाद में आप अपने फॉर्म में जाके उसको देते हो तो आपको रिमबर्समेंट मिलता है। तो यही बात यहाँ भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले खुद दिल खोल खर्च करेगा, जो भी SFIO अपॉइंट करना है SFIO अपॉइंट करने वालों 1 करोड़ लग रहा है सीजी करेगा, बाद में रिमबर्समेंट लेगा। तो एक्सपेंसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल बी रिमबर्स बाय फॉलोइंग पर्सन, किस किस पर्सन से, एनी पर्सन, एक सेकेंड, ठीक है, एनी पर्सन हु इज कन्विक्टेड टू एन प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट, जिसके खिलाफ 224 में प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, मतलब प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ, उस पर्सन से क्या लेगा रिमबर्समेंट लेगा। देखो सर रिमबर्समेंट की बात कर रहा हूँ, जो कॉस्ट लगाना कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, अभी वो फ्रॉड वाला पैसा नहीं लगाया जो फ्रॉड किया था, ये बस कॉस्ट जो लगाना कॉस्ट कॉस्ट की बात है उसकी बात कर रहा हूँ, एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, जो भी सीजी को एक्सपेंस लगा ये पूरा प्रोसीडिंग्स करने में, वो एक्सपेंस सीजी ने पॉकेट से लगा तो दिया, बट वो पॉकेट से लगा दिया तो कहीं ना कहीं से तो लेगा, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लगाती है सोचो ना, गवर्नमेंट तो आपसे लेगी ना, जो भी आदमी बंदा प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ था हमारे पे, तो जो भी पर्सन पे ना प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया ना उससे लेगी,
ठीक है। और वह और मान लो जिसको ये ऑर्डर दिया गया कि डैमेज पे करने के लिए, मान लो ऑडिटर था उसको बोला गया 2 करोड़ रुपया तुम दोगे, सीएस बोला गया 50 लाख तुम दोगे, तो जिस जिसको बोला गया डैमेज पे करने के लिए उससे क्या करेगी, पैसा लेगी एक्सपेंस का, ठीक है। और एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन विच हुज नेम्स आर ब्रॉट टू बी इनिशिएटेड। देखो सर ये किसके बारे में कर रहा है, मान लो कि हमें पता था एबीसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, बाद में क्या चला, पता चला कि पीक्यूआर जो कंपनी थी ना इसके रिलेटेड थी, इसका भी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये भी मिली हुई थी, तो इससे भी चाहे तो वो इन्वेस्टिगेशन कर का जो एक्सपेंस था रिकवर कर सकता है। तो एक तो कंपनी से कर ही सकता है, जो पर्सन था उस पर्सन कंपनी में कर ही सकता है, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इन हुज नेम प्रोसीडिंग्स आर प्राउड टू बी इनिशिएटेड, इनिशियली नहीं था बट बाद में हो गया, तो ये सब क्या केस आता है, ये सब रिलेटेड कंपनी वाला केस आता है, क्योंकि हमें पता है इनिशिएटिव तो हम स्टार्टिंग करते हैं, मान लो इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं उस कंपनी को, फिर हम धीरे जाते हैं उस रिलेटेड कंपनीज को, तो उस रिलेटेड कंपनी से भी हम कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं। तो अमाउंट ऑफ कॉस्ट एक्सपेंसिव डिसाइडेड टू एक्सटेंड स्पेसिफाइड बाय कोर्ट, ठीक है। तो जो भी कोर्ट ने डिसाइड किया ना, स्पेसिफाइड बाय कोर्ट ट्रिब्यूनल डिसाइड किया ना, उतना अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिस हम डिसाइड कर सकते हैं एक्सटेंड टू रिकवर कर सकते हैं। सर ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मेरे को लग रहा है कि इस पर यही क्वेश्चन आने वाला है 226 से। सर क्या है, मान लो कि कंपनी में ना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कंपनी में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, और उसी बीच में ना कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स ने एसआर पास करके वॉलंटरी वाइंड अप कर दिया कंपनी का, ले भाई ना ये कंपनी रही ना इन्वेस्टिगेशन रहा, करो इन्वेस्टिगेशन सबका, कंपनी नहीं तो इन्वेस्टिगेशन किसका। या मान लो कंपनी ने क्या किया, ऑपरेशन के लिए ना ऑपरेशन 241 में एप्लीकेशन डाल दिया रिलीफ के लिए, अब ट्राइबल वहां पे स्टे लगा देती, करो स्टे, लग गया इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना होगा। तो यही बोला गया कि भाई अगर इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया ना तो तुम वॉलंटरी वाइंड अप ही क्यों ना कर दो कंपनी का, तुम ऐसा पास करके वॉलंटरी वाइंड अप ही क्यों ना कर दो कंपनी का, तुम आईबीसी में जाके वाइंड अप क्यों ना कर दो कंपनी का, तुम ऑपरेशन के लिए क्यों ना अप्लाई कर दो कंपनी का, हम करवा के रहेंगे इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो देखो इन्वेस्टिगेशन हेडिंग क्या है, वॉलंटरी वाइंड अप ऑफ कंपनी शैल नॉट स्टॉप इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग, an investigation under the chapter may be initiated not with a standing and no such investigation shall be stopped, so shall be stopped, ठीक है, क्या करना, कोई investigation रुकेगा नहीं। So no investigation shall be stopped or suspend any of the only of the following facts, ना तो रुकेगा stop होगा ना suspend होगा temporary period के लिए, किस किस fact के बावजूद भी, मतलब ये हो भी जाए ना तो भी investigation नहीं रुकेगा, एक बार जो चल गया ना भैया वो तो अपने डेस्टिनेशन पहुंच के रुकेगा। तो वही बोला अगर कंपनी ने अपना एसआरबी पास कर दिया ना, एसआरबी पास कर दिया वॉलंटरी वाइंड अप के लिए कंपनी एक्ट में, तो भी हम इन्वेस्टिगेशन नहीं रोकेंगे। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कंपनी ने अपना वॉलंटरी अप करवा लिया क्या इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा, ठीक है, या कंपनी ने अदर प्रोसीडिंग अंडर आईबीसी के तहत भी अपना वाइंडिंग करवा लिया ना तो भी ये नहीं रुकेगा, क्या नहीं रुकेगा, इन्वेस्टिगेशन। या मान लो एप्लीकेशन चला गया ना ऑपरेशन के रिगार्डिंग तो भी इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगा, ठीक है। सर मान लो एसआर पास किया और ट्राइब्यूनल ने एक्सेप्ट भी कर लिया और वाइंडिंग अप हो भी गया, ठीक है, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग इज पेंडिंग बिफोर ट्राइब्यूनल, ठीक है। इवन इफ ट्राइब्यूनल ने वाइंडिंग अप ऑर्डर दे दिया, ट्राइब्यूनल ने अगर ऑर्डर दे भी दिया ना, फिर इंस्पेक्टर इन्फॉर्म करेगा ट्राइब्यूनल को, तभी नहीं बचोगे कंपनी, फिर इंस्पेक्टर बोलेगा ट्राइब्यूनल को भाई तुम्हें पता नहीं था कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, कैसे तुमने ऑर्डर दे दिया, तब ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर को क्या करेगा, अमेंड करेगा। तो एक कहने का सिंपल मतलब है भैया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया ना तो मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई कंपनी में, सीआईडी हो गया भाई कंपनी में, सीआईडी मतलब आप भाई पता लगा करेंगे कौन मुजरिम है, ठीक है। सर 227 ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो 226-27 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या है, सर लीगल एडवाइजर एंड बैंकर्स नॉट टू डिस्क्लोज सर्टेन इन्फॉर्मेशन। देखो सर लीगल एडवाइजर मतलब क्या, वकील, बैंकर्स मतलब बैंकर्स, ठीक है। नथिंग इन दिस चैप्टर शैल रिक्वायर डिस्क्लोज टू द ट्राइब्यूनल सीजी रजिस्ट्रार, मतलब ट्राइब्यूनल सीजी या रजिस्ट्रार कोई भी आ जाए, ठीक है, या इंस्पेक्टर ही क्यों ना आ जाए, ठीक है, अगर वो लीगल एडवाइजर से पूछते हैं, लीगल एडवाइजर से, मतलब नथिंग इन दिस सेक्शन शैल रिक्वायर टू डिस्क्लोज, मगर मतलब लीगल एडवाइजर को कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना, किसको, ट्राइब्यूनल को, सीजी को, रजिस्ट्रार को, इंस्पेक्टर को, रिगार्डिंग एनी प्रिविलेज कम्युनिकेशन। सर प्रिविलेज कम्युनिकेशन मतलब मान लो इसने इसका मर्डर किया और इसका वकील आया लड़ने के लिए, तो इसने इसको बताया होगा ना कि मैंने इसका मर्डर किया कि नहीं किया, तो ये सारे प्रिविलेज कम्युनिकेशन मतलब गुप्त कम्युनिकेशन सारे एवं क्या कहते हैं यही कम्युनिकेशन है जिसके जिसके रिगार्डिंग तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो भाई एक बात बताओ, अगर ये इन्फॉर्मेशन बताने लगे लॉयर तो इंडिया में फिर लॉयर के फिर पता क्या रहेगा, लॉयर होगा फिर काम क्या चलेगा, सब अगर इन्फॉर्मेशन शेयर होने लगे तो हर वकील को पता रहता है किसने क्या किया है, बट वही तो उनको डिफेंड करता है या वही तो उनके लिए प्रोटेक्ट करता है। तो कोई भी वकील से कुछ पूछते हैं ना लीगल एडवाइजर से कि भाई इस कंपनी में क्या क्या हुआ है, चाहे वो ट्राइबल ही क्यों ना आ जाए, सीजी क्यों ना आ जाए, रजिस्ट्रार क्यों ना आ जाए,
कोई भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग नहीं बताना है किसको, लीगल एडवाइजर को, ठीक है। एक्सेप्ट क्या बता सकते हो भाई, नेम ऑफ क्लाइंट मतलब PQR, एड्रेस ऑफ क्लाइंट मतलब मान लो लक्ष्मी नगर, मोबाइल नंबर ऑफ क्लाइंट मान लो 97 ऐसे करके बता दो, ये सब बेसिक बताओ, ठीक है। बेसिक नहीं बताओगे भाई वो तो थप्पड़ मार देगा तुम्हें। बेसिक बता सकते हो कि नेम क्लाइंट एड्रेस मोबाइल नंबर बता सकते हो, बट प्रिविलेज कम्युनिकेशन बताओ। ये नहीं बता सकते भाई वो क्रिएटर जो था 50 करोड़ का उसने मटर के पैसा डाला था क्या, तो ये सब मत बताना क्योंकि ये तो पता ही होगा उसको, और ये बताने लगा फिर तो मटर क्या होगा लवर का। और क्या बोल दिया, बैंकर्स को बोल दिया कि मत बताना, बैंकर्स ऑफ एनी पर्सन, देखो नथिंग डिस्क्लोज बाय द बैंकर्स ऑफ एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रिगार्डिंग एज टू अफेयर्स ऑफ देयर कस्टमर अदर देन बॉडी का, देखो ये अलग पढ़ना और ये अलग पढ़ना, मतलब सुनो ये ICICI है, ठीक है, इसमें इस ABC कंपनी जो फ्रॉड की थी इसका अकाउंट नंबर था, ठीक है, सब कुछ था, डिटेल था, और इसी अकाउंट में ना ABC का कस्टमर था मान लो एक PQR, उसका भी डिटेल था। तो देखो क्या बोला, नथिंग डिस्क्लोज बाय द बैंकर ऑफ एनी पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट रिगार्डिंग एज टू अफेयर्स ऑफ द कस्टमर, इसके रिगार्डिंग मत बताना, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट पर्सन हुज इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी पास, देखो अदर देन मतलब क्या हो गया, जिसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन पास हुआ ना बैंकर, इसके रिगार्डिंग बता देना, बट इसका मान लो कोई कस्टमर क्यों ना हो, या मान लो तुम्हारे कस्टमर क्यों ना हो, मान लो इसका ABC का कोई सप्लायर था, कोई पर्सन था, या मान लो कोई बॉडी कॉर्पोरेट था, इसमें तुम्हारे में इसका बैंक अकाउंट था, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, ये कस्टमर हो गया, तो तुम अपने कस्टमर के रिगार्डिंग मत बताना कुछ भी, बट ये जो बॉडी कॉर्पोरेट है जिसका इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास हो चुका है इसके बारे में तुम्हें सब बताना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट, बैंक डिटेल्स, बैंक नॉमिनी क्या क्या सब बताओ, बट उसका कोई डिटेल्स, क्योंकि इंस्पेक्टर आया होगा, सुनो इंस्पेक्टर बोला होगा, देखो बैंकर बैंकर ABC कंपनी में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बट उसमें एक सप्लायर दिखा है मेरे को PQR, उसका भी अकाउंट तुम्हारे ही बैंक में है, तो PQR के बारे में स्टेटमेंट देना उसको, तो ये बोलेगा हम नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि 227 बोलता है कि अपने कस्टमर रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, ये बोलेगा ठीक है काम करो ABC रिगार्डिंग दे दो, बोल हाँ ठीक है ABC रिगार्डिंग लो ना कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अदर देन जो बॉडी प्रॉपर्टी है ये ABC रिगार्डिंग बात करता है, ठीक है। सब मान लो फॉरेन कंपनी ने कुछ कांड कर दिया, मतलब फॉरेन कंपनी ने कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई नहीं दिया, फॉरेन कंपनी ने इंक्वायरी इंस्पेक्शन में काम नहीं किया, अच्छे से सपोर्ट नहीं दिया, तो क्या उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, तो सिंपल सी बोला प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर इंक्वायरी इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्शन शैल अप्लाई मोटैटस मोटैंडस, मतलब सर एज सेम एज एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी में कुछ भी कांड किया ना भाई तुम पे भी लगेगा, हम इंडिया वालों को नहीं छोड़ रहे, फॉरेन कंपनी तुम्हें कहां से छोड़ देंगे, तुमने अगर कुछ भी कांड किया ना तुम पे भी इन्वेस्टिगेशन का सारे प्रोसेस लगेंगे, 206-229 पूरा लगेगा आप पे, तो याद रखना क्वेश्चन बन सकता है क्या फॉरेन कंपनी में भी लगेगा, यस 229 सर जुलाई अटैम का क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे 447 को सेट किया गया, याद रखना चांसेस कम है इस पे आने का। सर क्या है, देखो वेयर ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन, जिस पर्सन से एक्सप्लेनेशन मांगा गया एंड स्टेटमेंट मांगा गया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग एन ऑफिसर से भी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी इंस्पेक्शन इंप्लॉय, ठीक है, अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज ऑल्सो अंडर इंस्पेक्शन, ठीक है, उसने क्या किया, डिस्ट्रॉय म्यूटिलेट्स फॉल्सिफाइज कंसील टैम्पर अनऑथोराइज रिमूव्स पार्टी डिस्ट्रक्शन मल्टीलेशन कंसीलमेंट टेम्परिंग अनऑथोराइज रिमूवल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू पार्टी एसेट्स अफेयर ऑफ कंपनी मेक्स और इज ए पार्टी टू मेकिंग, कर दिया या करने वाला है ये फॉल्स एंट्री इन डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स एंट्री इन डॉक्यूमेंट्स 50 करोड़ को 5 करोड़ करने वाला है कंसर्निंग कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन विच इज फॉल्स, या कुछ भी गलत एक्सप्लेनेशन दे दिया उसने विच इज नोज टू बी फॉल्स, ही शैल बी पनिश्ड फॉर अ फ्रॉड इन मैनर 447 तहत वो फ्रॉड वाले प्रोविजन लग जाएंगे, 447 में पढ़ा था सर 1% 10 लाख तक कितना लगेगा 6 साल से 10 साल तक पब्लिक इंटरेस्ट में 3 साल ऐसा पढ़ा था मैं पूरा 447 नहीं पढ़ा होता है वो क्लास देखा ना 447 का, ठीक है। सिंपल सी बात है, इस पूरे सेक्शन में किसी ने भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन दिया, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, अनऑथराइज इन्फॉर्मेशन दिया, अनऑथराइज चेंजेस करने दिए गए, तो भैया उस पर फ्रॉड का सेक्शन लग जाएगा 447 के तहत, उस पर पेनल्टी लगेगा, ये जुलाई अटैम्प्ट में आ चुका है तो अब चांसेस कम है, ठीक है। दैट्स इट, मैंने पूरा डिटेल कवर किया आपको, लगभग सारे सेक्शंस को अच्छे से कवर करवाया है सर, इससे बेस्ट नहीं हो सकता लास्ट 1.5 डेज के लिए। डू योर बेस्ट, सब्सक्राइब दिस चैनल, अच्छा खासा आपने ग्रोथ किया इस चैनल को यार, थोड़ा सा बट और कर दो, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर कर दो जो बाद में भी काम आ जाए, IPCC के फ्रेंड्स जो आ रहे हैं उनके लिए भी काम आ जाए, क्लासेस अभी रहेगी फुल क्लासेस, अमेंडमेंट्स मैं कवर कर दूंगा, ठीक है, तो शेयर करो। अब चलो क्वेश्चंस देख लेंगे 5-10 मिनट बाद, ठीक है, चलो चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इस चैप्टर के, जिससे मैं कॉन्फिडेंस फील हो एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस तो देख के जाने चाहिए 1.5 डेज के लिए। चलो पहले एक MCQ देखते हैं जो मेरे अंदाज से बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है और इससे एक डिस्क्रिप्टिव भी बनी जाता है। सर अ ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है,
एक्स लिमिटेड मेक्स अ कंप्लेंट टू आरओसी, रजिस्टर्ड कंपनीज को कंप्लेंट किया, दे एसेटेड अ मैनुअल कंपनीज इंटरजेंट डिस्ट्रक्शन, मतलब क्रिएटर्स ने आरओसी को बोला कि भैया देखो डिस्ट्रक्शन होने वाला है, ऐसे ऐसे करके अकाउंट्स रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी का, द कंप्लेंट रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड टू टेक एन इमीडिएट स्टेप्स, इमीडिएट स्टेप्स लो, स्टॉप करो मैनेजमेंट को टू टैम्पर दोज रिकॉर्ड्स, ठीक है। द कंप्लेंट वाज रिसीव्ड इन द मॉर्निंग इन 1 जनवरी 2019 एंड आरओसी इंटर द प्रीमाइसेस विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे आरओसी पहुंच भी गया। तो द कोर्स ऑफ एक्शन दैट टेकन बाय आरओसी रजिस्टर्ड आर, देखो एक चीज बताता हूँ मैंने क्या बोला, अगर आरओसी आपको कहीं दिखे, एक होता है इंस्पेक्शन वाला सीज, एक होता है इन्वेस्टिगेशन वाला सीज। सर देखो यहाँ पे आरओसी चल रहा है हर जगह, रजिस्टर 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 को पास कंप्लेन गया, तो आरओसी वाला सीज है ये, 209 208 वाला सीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेके जाना होता है। मैंने क्या बोला, आइडेंटिफाई कैसे होगा, रजिस्टर्ड का कंपनी जहाँ भी आए समझ जाए वो आरओसी वाला सीज है, तो यहाँ पे आरओसी वाला सीज है तो स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेके जाना होता है, ठीक है, स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेके जाना होता है, परफेक्ट। अब देखो सर, रजिस्टर में इंटर विद द बुक्स ऑफ सीज देम, नहीं, रजिस्टर में इंटर विद द बुक कीप्स एंड बुक्स आफ्टर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोर्ट, देखो ये की पॉइंट था, रजिस्टर में इंटर विद सच बिकॉज़ ओनली द रिकॉर्ड्स ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ द ओनली आर केप्ट ओनली ऑन ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द स्पेशल कोर्ट, नहीं वेट, सीज पर बुक्स ऑफ केप्ट ओनली ऑन, ठीक है ठीक है, केप्ट ओनली एंड सीज, सीज देखो यहाँ पे सीज भी है, सीज होना चाहिए, सीज नहीं था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हमें स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेके सीज कर सकते हैं बीज, ठीक है, स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल जरूरी है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो, द बिजनेस ऑफ वीक फैब्रिकल लिमिटेड इज कंडक्टेड फ्रॉडेंटली एंड द मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, द पेड अप शेयर कैपिटल इज 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, 1 करोड़ क्या था, पेड अप शेयर कैपिटल था, अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स नंबरिंग 110 मेंबर्स थे यहाँ पे, ऑफ रिप्रेजेंटेटिंग 1/9 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, इन 1/9 ऑफ टोटल वोटिंग पावर ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट, 1/9 ऑफ टोटल वोटिंग पावर रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंड टोटल एंड अप्रोच टू एनसीएलटी टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी, दे सीक योर एडवाइस, ठीक है, वेदर द ग्रुप कैन मेक अ वैलिड एप्लीकेशन, सुनो यहाँ पे दो चीज हो रहा है सर, देखो लोग कहाँ जा रहे हैं, देखो अगर सीजी पास जाना है तो एसआर पास करना होगा, ठीक है, सीजी पास जाना है तो एसआर पास करना पड़ेगा, बट अगर तुम्हें वहां जाना है तो एनसीएलटी पास जाना है तो याद रखना 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर वाला भी जा सकता है एनसीएलटी के पास, तो यहाँ पे 1/10 मेंबर्स थे, 110 मेंबर था, तो 100 मेंबर भी जा सकते हैं, वेदर द ग्रुप कैन मेक अ वैलिड एप्लीकेशन, तो यस यस वैलिड एप्लीकेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 110 मेंबर है, कम से कम 100 मेंबर या 1/10 ऑफ होता था वोटिंग पावर, जो भी लोअर है, जो भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई वो हो जाएगा, देखो एटलीस्ट 100 मेंबर्स, मैंने क्या बोला 100 मेंबर्स, तो देखो हर जगह, देखो जरूरी नहीं इन्वेस्टिगेशन में सब दो एक ही जगह ट्रिगर हो, सीजी नहीं, सीजी का ट्रिगर नहीं हो पा रहा है, मतलब एसआर पास नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप 100 मेंबर्स हो, 1/10 ऑफ वोटिंग पावर हो, आप जाओ वहां पे ट्राइबल पास दरवाजा खटखटाओ, ठीक है, तो यहाँ पे हम जा सकते हैं। Whether other than member can any person make application? देखो other than member can any person make application? Yes, हमने थर्ड केस पढ़ा था जहाँ पे एक लिमिट हमने पढ़ा था ट्राइबल केस में कि 100 members और 1/10, एक हमने पढ़ा था जहाँ शेयर कैपिटल नहीं होता 1/5, एक हमने पढ़ा था जहाँ ट्राइबल को लगे, मतलब कब, जब बिजनेस फ्रॉडलेंट हो रहा हो, जब पर्सन डिफ्रॉड हो रहा हो, तो वहाँ पे कोई भी मेंबर जाके कर सकता है, या मेंबर नहीं भी हो, कोई पर्सन को जेन्यून है ना वहाँ पे, वो भी कर सकता है, मैं मिस कर गया बोलना, जेन्यून आदमी भी कर सकता है, मतलब कंपनी का मेंबर नहीं भी है ना, क्रिएटर है, मतलब कोई और आदमी है, तो वो भी कर सकता है, इफ ट्राइबल को लग जाए कि हाँ वो जो है ना कंपनी है ना वो डिफ्रॉड करने की बनी है, या कंपनी जो बनाया है ना वो पर्सन ही डिफ्रॉड वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे वर्डिंग होगा, देखो it defrauded the business of the company is being conducted with intent to defraud its creditors other person fraudulent unlawful manner ya man lo the company was formed by any lawful purpose may after reason of opportunity being heard wo karke tum kya kar sakte ho investigation order pass kar sakte ho then any other person other than member can also make an application to member ke alawa hi chahe to koi application kar sakta hai theek hai sir aur kya hai आर द एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू फर्निश सिक्योरिटी मनी है सर सिक्योरिटी मनी पता है हमें 25,000 रुपये अच्छे से हम जान चुके हैं ठीक है 25,000 रुपीज वेदर द ग्रुप कैन मेक अ वैलिड एप्लीकेशन हाँ सही है वही रिपीट हो गया ठीक है तो 25,000 रुपीज करके हम कर सकते हैं और ये भी 25,000 रुपीज क्या सिक्योरिटी मनी है जो वापस रिफंड हो जाएगा परफेक्ट देखो द शेयरहोल्डर्स ऑफ कुमार लिमिटेड पास द स्पेशल रेजोल्यूशन सर एसआर पास किया इसने That affairs of the company ought to be investigated. The company submitted the special resolution to the central government. Company ने ऐसा पास करके CG को submit कर दिया. Perfect. Examine, expand the relevant provision of act whether the power of central government to order investigation is mandatory or discretionary. Sir, word आ गया ना?
मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी, ठीक है। सब मैंडेटरी कब होता है, जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता है सीजी को, मतलब ट्राइब्यूनल एनसीएलटी या मान लो एनसीएलटी या मान लो ट्राइब्यूनल जब ऑर्डर देता है सीजी को, तब सीजी को मैंडेटरी करवाना पड़ता है। बट तीन जगह सीजी का ओपिनियन है डिस्क्रिशनरी है, कब सर, जब एसआर पास हो, जब पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा हो, जब आरओसी इंस्पेक्टर का रिपोर्ट हो। तीन जगह क्या है डिस्क्रिशनरी है, यहाँ पे क्या हुआ, एसआर पास हुआ है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफर कंपनी वेर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन इज ऑफ ओपिनियन, मतलब सर यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इट दैट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट ऑफर कंपनी ऑन रिसीप्ट ऑफ आरओसी इंस्पेक्टर रिपोर्ट, पहला ट्रिगर पॉइंट, ऑन स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी दूसरा ट्रिगर पॉइंट, या पब्लिक इंटरेस्ट में तीसरा ट्रिगर पॉइंट, ठीक है। ठीक है, ये हम देख लिया। इनोवेट द प्रोसीजर्स वी फॉलो बाय सीरियस फॉर इन्वेस्टिगेशन टू अरेस्ट अ पर्सन हैज बीन, क्या क्या प्रोसीजर है एसएफआईओ के। देखो पहला पॉइंट उन्होंने पूछ दिया, तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया ना, एज पर सेक्शन इतना इतना, ऑफेंसिव इतना इतना। अब एसएफआईओ बारे में पूछ रहा है, देखो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मैंडेटरी नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी है, इज ऑफ ओपिनियन है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। सेकंड पूछ दिया कि एसएफआईओ के क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे रिगार्डिंग ऑफेंसेस 447 में जो पर्सन करता है, क्योंकि एसएफआईओ वाला ही प्रोसीडिंग 447 रिगार्डिंग फ्रॉड होता है, जो कि कॉग्निजिबल एंड नॉन बिलेबल होता है। तो क्या प्रोसीडिंग्स होगा, सिंपल सी बात है, पहले सबसे सब ज्ञान दे दो। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एसएफआईओ को, जो हेडेड बाय डायरेक्टर होगा, सच अदर पर्सन होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाई स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एसएफआईओ ऑन द बेसिस ऑफ मैंडेटरी प्रोसीजन 447 में उसका गिल्टी ऑफ फ्रॉड होता है अरेस्ट कर सकता है। फिर वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करेगा, इस समय कोई प्रोसीडिंग्स चल रही होगी सब रुक जाएगी, ठीक है। तो एज देखो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को 24 आवर्स के अंदर प्रेजेंट करेगा, तो वो सारा पढ़ाया हुआ है यार, और इसी से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 1.5 डेज के लिए क्या बोला, कंप्लीट बना हुआ है सर, यू आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हो, पीडीएफ निकलवा लो, ऑर्डर कर लो बुक्स, जो भी आप ऑर्डर कर लो पीडीएफ निकाल कर प्रिंट कर लो, बट कर लो सर। 1.5 डेज के लिए बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है ये, रिटन नोट्स प्लस 1.5 डेज क्वेश्चन बैंक, तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने ऐड किए हुए हैं, ठीक है। द पीरियड ऑफ 24, हाँ ये भी याद रखना था, तो पीरियड ऑफ 24 आवर्स के अंदर एक्सक्लूड होता है ट्रैवलिंग कॉस्ट, जो मैंने बताया था कि आप उस उतने देर वो फ्लाइट पकड़े जा रहे हो, फ्लाइट का टाइम वो एक्सक्लूड होगा, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, चलो ये भी देख लेते हैं। एन इन्वेस्टिगेशन और ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट 216 में होता है ट्रू ओनर पता करने के लिए, और जो भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी फॉर रिगार्डिंग सक्सेस एंड फेलियर, ठीक है। 9% रिटेबल प्रेफरेंशियल इशू बाय कंपनी और इतना इतना, दैट ट्राइबल इज ओपिनियन दैट लेस रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज। देखो ट्रू ओनर पता लगाना है भैया, तो सिक्योरिटीज पे हमें इम्पोजिशन लगाना पड़ेगा, सिक्योरिटीज पे इम्पोजिशन लगाना पड़ेगा, मतलब सिक्योरिटीज को ट्रांसफर होने से बचाना पड़ेगा। तो कौन लगाता है यहाँ पे, सीजी देता है एप्लीकेशन एनसीएलटी को, एनसीएलटी या ट्राइबल लगाता है इम्पोजिशन, याद रखना सीजी नहीं लगाता है यहाँ पे। और कितने दिन लगता है सर, ये 3 साल लगता है, यहाँ पे कितना लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन फॉर 4 ईयर्स, 4 नहीं 3 ईयर तक ही लगता है। कैन ट्राइब्यूनल रिस्ट्रिक्ट फर्दर इश्यू ऑफ अल्पिस इस फॉर व्हाट पीरियड सर, 3 साल, क्या ट्राइब्यूनल कर सकता है, यस ट्राइब्यूनल ही करता है, सीजी एप्लीकेशन ट्राइब्यूनल को ट्राइब्यूनल रिस्ट्रिक्ट करता है सेक्शन 222 में, 221 में हम फ्रीज ऑफ एसेट्स करते हैं, 222 में हम इश्यू सिक्योरिटीज करते हैं, सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं ना कि इक्विटी बात कर रहा है, सिक्योरिटीज में सब आ जाएंगे, रेडेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स सिक्योरिटीज में, डिबेंचर्स आ जाएंगे, सिक्योरिटी में इक्विटी भी आएगा, ठीक है। तो क्या ट्राइब्यूनल कर सकता है रिस्ट्रिक्ट, यस कर सकता है आराम से, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, आपका 2 नंबर कंप्लीट यहाँ पे। सर ट्राइब्यूनल वेयर इट अपीयर्स द ट्राइबल कनेक्शन विद एनी इन्वेस्टिगेशन 216, क्योंकि 216 में हम ट्रू ओनर पता लगवाते हैं, अगर ट्रू ओनर पता लगाना है तो हमें सिक्योरिटीज पे रिस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा, अगर सिक्योरिटीज पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा 216 में ट्रू ओनर पता नहीं लगेगा, इसलिए ट्रू ओनर पता लगाने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है, ठीक है। सर याद रखना फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल के लिए लगता है, ठीक है। अगर उसका कुछ कॉन्ट्रावेट कर दिया तो पनिशमेंट भाई देख लेना, पनिशमेंट के लिए मैं सरेंडर कर रहा हूँ, पनिशमेंट मैं खुद नहीं याद कर पाता हूँ सर, 80% लोग नहीं कर पाते, 20% आर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लॉ में भी एक्सेप्शंस होते हैं, तो एक्सेप्शंस आर देयर, अब पढ़ लेना पनिशमेंट, जो भी अमेंडमेंट आए होंगे पनिशमेंट के वो देख लेना, पनिशमेंट मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 2018 का बहुत लेस टाइम एग्जाम में आया है, बट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन अच्छा अच्छा ड्राफ्टिंग हो सकता है। सर ओरिजिन पेपर लिमिटेड हैज बीन इंकरिंग बिजनेस लॉसेस फॉर पास्ट कपल ऑफ ईयर, द कंपनी देयरफॉर पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, कंपनी ने अपना स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप, मीनवाइल कंप्लेंट्स वर मेड टू ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट फॉल प्ले ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी व्हिच एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेयरहोल्डर्स कंपनी एज वेल पब्लिक इन द सिचुएशन विद एन इन्वेस्टिगेशन मे बी इनिशिएटेड, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है अगेंस्ट द कंपनी अंडर प्रोविजंस कंपनी एक्ट 2013 फॉर द स्टेट वेदर एप्लीकेशन कैन बी मेड टू ट्रिब्यूनल फॉर रिलीफ इन द अबव फेस वन इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंपनी। देखो अगर तुम्हारा इन्वेस्टिगो ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, उसको देखना पढ़ना अच्छा से मैं समझना, ठीक है। देखो क्या मैंने पढ़ाया था यहाँ पे, अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा होगा,
आपका भले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका हो, उस बीच में आपने ऑपरेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दिया, या मान लो आपने स्पेशल रिविजन पास कर दिया वाइंडिंग अप के लिए, या मान लो कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया वाइंडिंग अप के लिए, ये सारे चीज हो भी जाए ना तो आपके इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोक सकते, ठीक है, आपके इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोक सकते। तो इसके रिगार्डिंग ही कुछ पॉइंट्स दें, इसको थोड़ा डिटेल स्टडी करना, ठीक है, इसको इसको एक क्वेश्चन को अच्छा करना, चांसेस कम है, चांसेस है कि ये चीज याद रख लेना कि तीन केस हो गए, पुराना ड्राफ्टिंग है क्वेश्चन का, ठीक है, बट ये इतना भी याद रख लो कि तीन केस हो गए ना तो आप चाहे तो आप कितना भी कर लो इन्वेस्टिगेशन रुकेगा नहीं। मैंने बोला एक बार निकल गए ना तीर कमान से तो नहीं रुक सकता, आप चाहे ऑपरेशन एप्लीकेशन डाल दो, आप स्पेशल रिजन पास कर दो, और यहाँ पे एक एड ऑन कर लेना आईबीसी रिगार्डिंग वारंटी वाइंडिंग भी क्यों ना कर दो, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन था इसलिए, ठीक है, तो अच्छा लगा ये तीन पॉइंट को लेकर, चांसेस आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो मिस्टर श्राम इज एन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मिस्टर श्राम इज एन एम्प्लॉय द कंपनी एबीसी लिमिटेड एंड इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, द कंपनी वांट टू टर्मिनेट मिस्टर श्राम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग। हमें पता है जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है ना, अगर तुम्हें किसी भी इंप्लॉय को टर्मिनेट करना पड़ेगा, उसका पोजीशन को डिग्रेड करना पड़ेगा, डाउनग्रेड करना पड़ेगा, डिसएडवांटेज करना पड़ेगा, पोजीशन को सस्पेंड करना है, तो उस कंपनी को है ना एक एप्लीकेशन डालना पड़ता है ट्राइब्यूनल पे एनसीएलटी को, ठीक है, एनसीएलटी को एप्लीकेशन पता है, एनसीएलटी क्या करता है 30 दिन का टाइम लेता है, तब एनसीएलटी बताता है निकालना है तो निकालो इस एम्प्लॉय को, नहीं निकालना है मत निकालो इस एम्प्लॉय को, नहीं निकालना है तो एनसीएलटी बोलता है, तो हम कंपनी चाहे तो एनसीएलटी के पास भी जा सकती है, ठीक है। तो देखो यही बात है, इज द कंटेंशन कंपनी बीइंग वैलिड इन लॉ, हाउ, देखो सुनो सुनो, लेकिन याद रखना अगर 30 दिन का टाइम है, अगर 30 दिन में ट्राइब्यूनल ने कुछ नहीं बोला तो ये डीम्ड हो जाता है कि कंपनी फिर निकाल सकती है उसको, ठीक है। तो श्रम एम्प्लॉय थे, वो श्रम कंपनी श्रम टर्मिनेट करना चाहता है, ठीक है, बट कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोसीजर फॉलो किया, कंपनी ने प्रोसीजर फॉलो करते हुए एक एप्लीकेशन फाइल किया ट्राइब्यूनल को फॉर अप्रूवल ऑफ टर्मिनेशन, बट कोई रिप्लाई नहीं आया 30 दिन में। अब कंपनी कर सकती है, हटा सकती है, रिप्लाई नहीं आया तो डीम्ड अप्रूव हो जाता है कि हाँ तुम करो कंपनी। तो इज द कंडीशन ऑफ कंपनी इज वैलिड इन लॉ, कंपनी ने क्या कर दिया उसको हटा दिया, तो यस वैलिड है, तो कंपनी चाहे तो अप्रूव, लेकिन हाँ प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, वो लिखना पड़ेगा, पूरा ज्ञान देना पड़ेगा डिसमिस करने के लिए। इन दिस केस बॉडी कॉर्पोरेट डज नॉट रिसीव द अप्रूवल ऑफ 30 डेज, एक में प्रोसीड कर सकता है, 10 दिन में डीम अप्रूवल, ये क्या होता है डीम अप्रूवल होता है ट्रिब्यूनल से, ठीक है। व्हाट इज रेमेडी अवेलेबल टू मिस्टर शाह, कोई रेमेडी नहीं है भाई, एक सेकंड, देखो पहला जगह तो कोई रेमेडी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है, पहला जगह तो कोई रेमेडी नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाए कि रेमेडी कब होता है, जब वो एप्लीकेशन नाम डाला हो और ऑब्जेक्शन एनसीएलटी ने किया हो, यहां पे तो एनसीएलटी ने कुछ बोला ही नहीं, एनसीएलटी ने कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया ना, एनसीएलटी ने हाँ बोला ना ना बोला, तो सुनाम के लिए क्या रेमेडी होगा, कुछ नहीं होगा। बट एनसीएलटी ने अगर बोल दिया कि हाँ इफ रेमेडी अवेलेबल टू सुनाम इफ रिप्लाई ऑफ ट्राइब्यूनल हैज बीन रिसीव्ड विद इन 30 डेज, अगर एनसीएलटी ने कुछ रिप्लाई दिया कि हाँ हटा दो इसको, तब सुनाम आगे जा सकता है, बट एनसीएलटी ने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ही नहीं किया, तो सुनाम किस बेसिस पे जाएगा, सुनाम क्या बोलेगा कि एनसीएलटी ने मना किया, एनसीएलटी ने कुछ बोला ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इफ द कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट इज डिससैटिस्फाइड विद द, देखो कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट पास तो है, वो 30 दिन के अंदर अपना अपील फाइल कर सकता है अपीलेट ट्राइब्यूनल पास, कंपनी चाहे तो अपीलेट ट्राइब्यूनल जा सकता है, ठीक है। द डिसीजन, लेकिन हाँ याद रखना अपीलेट ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल होगा, उसके बाद हाईकोर्ट नहीं जाओगे, ठीक है। देखो श्रम के पास क्या है, इन दिस सिनेरियो मिस्टर श्रम हैज नॉट एनी रेमेडी अवेलेबल, कंपनी के पास रेमेडी होता है अगर ट्राइब्यूनल मना कर देना तो कंपनी चाहे तो जा सकता है, क्योंकि हो सकता है वो बंदा सही में काम नहीं कर रहा हो, कंपनी को हटाना चाहता है, बट श्रम के पास कोई रेमेडी नहीं, क्योंकि एनसीएलटी ने तो मना ही नहीं किया, एनसीएलटी ने तो कुछ बोला ही नहीं, तो क्या लेके जाएगा एनसीएलटी पास, एनसीएलटी के पास, ठीक है। बट एनसीएलटी ने जब मना किया ना तब तुम एनसीएलटी के पास जा सकते हो। तो फर्स्ट केस में क्या बोला है, देखो फर्स्ट केस बोला व्हाट इज रेमेडी अवेलेबल टू श्रम, कुछ नहीं रेमेडी है, नो रेमेडी, बट अगर एनसीएलटी ने बोल दिया, ट्राइब्यूनल ने बोल दिया, तब तुम जा सकते हो एनसीएलटी के पास। देखो ये दिखाता हूँ, शेयरहोल्डर्स ऑफ हाइड एंड सीक लिमिटेड आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, इट इज सस्पेक्टेड दैट सम एक्टिविटीज बीइंग रन इन द नेम ऑफ कंपनी आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी और इट मेंबर्स, 108 आउट ऑफ 500 मेंबर्स कंपनी हैव मेड एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सीधी पास एप्लीकेशन डाला कितने लोगों ने, 101 लोगों में 500 में से 101 लोगों ने एप्लीकेशन डाला। क्या सीजी पास जाने के लिए हमें 101 या 500 कुछ देखना पड़ता नहीं, सीजी पास जाने सिंपल देखना होता है एसआर, एसआर का पास होता है जब 75% मेंबर हाँ बोलते हैं, ठीक है, मतलब 375 या 300 ऐसा कुछ होगा लोग हाँ बोलते, इसमें तो 101 ही हुआ, तो क्या जा सकता है नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट एक्सेप्टेड, द सेंट्रल विल नॉट एक्सेप्टेड, 210 में नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 210 में जाने के लिए हमें एसआर पास करना होता है, ठीक है। हाउ वेर दोस्तों कंपनी मेड एप्लीकेशन टू गवर्नमेंट ऑफ एक्सपर्ट गवर्नमेंट नॉट सबमिट कंपनी हैज नॉट पास द स्पेशल रिजन, कंपनी ने स्पेशल रिजन पास ही नहीं किया, तो याद रखना सीजी पास जा रहे हो तो स्पेशल रिजन पास करना पड़ता है। बट यही क्वेश्चन बोलता है कि वो
इसके पास कोई और ऑप्शन बाकी है? तो यस, अगर ये सीजी पास नहीं जा पा रहा है, ऐसा नहीं पास हो रहा है, कोई बात नहीं, ये 213 में ट्रानो पास चला जाए, ट्रानो पास तो 100 मेंबर जा सकते हैं ना। तो अब कोई क्वेश्चन घूमता है एग्जाम में, ठीक है, अब ये क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से घूमता है कि जब सीजी पास नहीं जा पा रहे हो ना, कोई बात नहीं है, तुम ट्रानो पास चले जाओ, तो ऑप्शन पूछता है कि इज देयर एनी अदर रेमेडी अवेलेबल, यस, ट्रानो बोलता है कि 1000 100 लोग हो तभी आ जाओ मेरे पास, तो यहाँ पे जा सकते थे। देखो एक ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स आरओसी, आरओसी कहीं भी आ गया, सीज का बात हो रहा है सर, सीज 209 सेक्शन, तो स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग सेक्शन, ठीक है, आरओसी में एंटर ओनली आफ्टर स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट अप्रूवल लेना पड़ेगा, दो बार ऐड हो गया, कोई बात नहीं, इग्नोर इट, ठीक है। ये देखो द इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ एमएनसी लिमिटेड इज 5 करोड़ रुपीज कंसिस्टिंग ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, द सेड कंपनी हैज 500 मेंबर्स, अ पिटीशन वाज सबमिटेड बिफोर द ट्राइब्यूनल, सर ट्राइब्यूनल 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 पास जा रहा है सर, सीजी पास नहीं जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन चेंज हुआ था, अब ट्राइब्यूनल पास भी जा सकते हैं सर, ट्राइब्यूनल जाने का क्या क्राइटेरिया है सर, 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ वोटिंग पावर जो होल्ड कर रहे हैं सर, कंपनी में कितने मेंबर्स है, 500 मेंबर है, 500 मेंबर का 100 मेंबर्स या 1/10 जो वोटिंग पावर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो साइन बाय 80 मेंबर्स होल्डिंग 100,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी फॉर रिलीफ। देखो ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का ऐड हो गया सर, इसको इग्नोर करो अभी, इसको इग्नोर करो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का ऐड हो गया, इग्नोर इट, बाद में देखेंगे, ठीक है सर। आरडीपी जुलाई 2021, मिस्टर शरीफ हुआ एज अ की मैनेजर पर्सन रिटायर्ड ऑन 12 मई, 12 मई को भैया रिटायर्ड हो गए, एंड एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेट हुआ, 12 मई 2020 को रिटायर हो गए थे, मतलब 31 मार्च को ये मिस्टर शरीफ जी थे हमारे कंपनी में। तो डिस्टार फाउंड सम इररेगुलरिटीज इन रेटिंग ऑफ द ह्यू अमाउंट ऑफ डेट वाज प्रोवाइडेड एंड नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर द सेम, इन सच सिचुएशन कंपनी वांट्स सम एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंपनी एंड मिस्टर शरीफ। अब डिस्टार मांग रहा है शरीफ से भी एक्सप्लेनेशन, तो क्या शरीफ को देना पड़ेगा, यस, क्योंकि 31 मार्च 2020 तक शरीफ था, वो तो 12 मई 2020 को रिटायर हुआ ना, अब भले रिटायर होगा कोई बात नहीं, तुमने जो कांड किया था 31 मार्च 2020 को तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है, तो हर पास्ट एम्प्लॉय को एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, एज पर प्रोविजंस के 206 द स्टार कॉल एनी इन्फॉर्मेशन और एनी फर्दर डॉक्यूमेंट रिलेटेड कंपनी फ्रॉम द कंपनी एनी ऑफिसर नेसेसरी फॉर डिसाइडिंग एनी मैटर ऑफ द कंपनी प्रोवाइड सच इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू एनी पास्ट पीरियड, ठीक है, हु हैड बीन एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी, हु हैड बीन एम्प्लॉयमेंट, जो पहले थे एम्प्लॉयमेंट कंपनी फॉर सच पीरियड, उस पीरियड में, तो 31 मार्च 2020 तक तो शरीफ थे ना एम्प्लॉयमेंट में, एक 12 मई, अब मान लो 2021 का डॉक्यूमेंट खुलता ना तब शरीफ जी को कोई दिक्कत नहीं था, 31 मार्च 2020 को दिक्कत था शरीफ जी को, ठीक है। अब ये केस सीनेरियो है, ठीक है, इसको देखना, देखो केस सीनेरियो को खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है, दैट्स इट, मैंने हर वो क्वेश्चन आपसे कर दिया, मैंने हर रिविजन वीडियोज चैप्टर के प्रोविजंस को डीप में जाके देखा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो आपके रिवीजन वीडियो या नोट से नहीं लगा होगा, सारे क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए इसमें, ठीक है, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, कमेंट बॉक्स में आप और सजेशन डालना हो आप डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, मैं रिप्लाई भी करता हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ठीक है, नोट्स के लिए बताना, अगर नोट्स इसको नहीं मिले होंगे कमेंट बॉक्स में बता देना, ऐसे मैं टेलीग्राम पर लिंक डाल देता हूँ, इफ किसी को नोट्स ऑर्डर करने हो, आप नोट्स ऑर्डर करने के लिए मैंने फोन नंबर डाल ही दिया, टेलीग्राम पर भी आप नोट्स ऑर्डर के लिए बता सकते हो, चलो All the best, thank you. ठीक है सर, ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कब का हो सकता है, देखो इंक्वायरी इंस्पेक्शन तो हो चुका है, अब इन्वेस्टिगेशन, सही, बहुत हार्श होता है ये, मतलब अब चाबुक चलेगा, ठीक है, अब चाबुक चलेगा कंपनी में, कंपनी की नहीं सुनेंगे भैया, आप तोड़फोड़ होगा, आप घुसेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है सर। देखो वेयर सीजी इज ऑफ ओपिनियन, सर ये वर्ड याद रखना, सर ओपिनियन मतलब सीजी चाहे तो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, चाहे तो, दैट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी। देखो सीजी अभी केसेस पड़ेंगे, कब कब केसेस में, सीजी का ओपिनियन है, सीजी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, से कौन कौन, ऑन रिसीप्ट ऑफ आरओसी इंस्पेक्टर रिपोर्ट, 208 में जो आरओसी इंस्पेक्टर रिपोर्ट मिला था ना हमें, ये वाला जहां आरओसी इंस्पेक्टर रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया था फर्दर इन्वेस्टिगेशन का, यहां पे चाहे तो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, सीजी चाहे तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है क्या सीजी को मैंडेटरी करना होगा इन्वेस्टिगेशन, सर मैंडेटरी कुछ भी नहीं है, अभी सीजी के ओपिनियन में है भाई, हो सकता है आरओसी इंस्पेक्टर जान मुझे कंपनी को फंसाने के लिए घुस लिया होगा, उसके कॉम्पिटिटर से जबरदस्ती इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा है, तो सीजी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे सकता है। सेकंड क्या बोल दिया, इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, सर देखो सेकंड ट्रिगर पॉइंट ये है, अगर कंपनी ने एसआर पास किया होगा ना और इंटीमेट किया होगा सीजी को, तब भी चाहे तो, अब देखो किसी कंपनी में एसआर पास हो गया और इंटीमेट कर दिया सीजी को, क्या सीजी को मैंडेटरी करना होगा इन्वेस्टिगेशन, नहीं सर, सीजी चाहे तो,
ठीक है, याद होना चाहे तो यहाँ पे ओपिनियन क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, और मैंने भी बहुत मॉक बनाया था, अभी आरटीपी क्वेश्चन था सर ऐसा ही ओपिनियन वाला था, तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, सैन ने लिखा सीजी इज ऑफ ओपिनियन। थर्ड क्या बोल दिया, पब्लिक इंटरेस्ट, सीजी को खुद से लग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो वो चाहे तो मे है, दो सर यहाँ पे मे है, मे इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन, वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा सकता है, बट सर एक केस ऐसा आएगा जहां पे सीजी को मैंडेटरी आंख बंद करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देना पड़ेगा। सर कौन सा केस है वो, When order is passed by court or tribunal, मतलब सर सीजी तो यहां पे है, मान लो ट्राइब्यूनल और कोर्ट, इसने ऑर्डर दिया सीजी को कि भाई इन्वेस्टिगेशन चलना होगा, तो भैया सीजी अपनी आंखें बंद कर लेगा और आंख बंद करके बोलेगा मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे दिया, तो सीजी यहां पे सेल है, सेल ऑर्डर एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो देखो सर तीन केस में सीजी का अपना ओपिनियन है, कब, जब पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जब क्या हो, जब एसआर पास किया हो, सर एसआर पास किया हो, देखो एसआर ओआर नहीं सर, एसआर 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 पास किया हो और इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आया हो, इंस्पेक्टर ने बोला हो, रिकमेंड किया होगा कि सर प्लीज इन्वेस्टिगेशन करवा दो, तब तो करवा सकता है, सीजी का ओपिनियन है, बट एक जगह कहा है सीजी का ओपिनियन नहीं है, सीजी को मैंडेटरी करवाना पड़ेगा अगर ऊपर वाले लोग, मतलब सर कौन, ट्राइब्यूनल और कोर्ट ने बोल दिया कि इन्वेस्टिगेशन होना है तो इन्वेस्टिगेशन होना ही पड़ेगा, ठीक है।